नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इंफ्रमोशन देने वाले हैं उसका नाम है चांदनी चौक टू चाइना और ये मूवी आपको किस ओ टी प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे तो चलिए शुरू करते हैं चांदनी चौक टू चाइना जिसे सी, सी, सी के नाम से भी जाना जाता है दो में रिलीज हुई एक बॉलीवुड मार्शल आर्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म निखिल द्वारा निर्देशित फिल्म में अक्षय कुमार और दीपिका पाडुकोन के साथ चक्रवर्ती और हांगकांग एक्शन सिनेमा के दिग्गज गॉर्डन हैं फिल्म में एक्शन और कॉमेडी के चांदनी चौक एक साधारण सज्जी विदेश शर्मा की कहानी बताती है की एक जीवन की एक मोड़ आता है जब उसे ये विश्वास दिलाया जाता है कि वो एक चीनी क्रांतिकारी के पुनर्जन्म है ये विश्वास उसे दिल से चीन ले जाता है जहाँ एक उत्पीड़न गाँव के निवासी उसे अपना उधरकर्ता के समझ की गलती करते हैं वास्तविक स्थानों पर एक सेंटो की आयोजन में इस फिल्म में चीन कर्कस और संघाई फिल्म स्टूडियो में फिल्माए गए दूसरों की चांदनी चौक टू चाइना हमारे आभारी नायक दिल्ली की हलचल भरे चांदनी चौक बाजार की एक मामूली सब्जी काटने वाले सिद्धू को एक तूफानी साक्ष यात्रा में डाल देती है गजर और गाजर और प्याज काटने से परे जीवंत की चीनी की चाहत रखने वाला सिद्धू आसानी से दो अजनबियों के द्वारा फैलाए गए विचित्र तो झूठ में फंस जाता है वे उसे विश्वास दिलाता है कि एक महान चीनी योद्धा का पुनर्जन्म है जिसे उनके उत्पीड़ित गांव को बचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी सीधे सिद्धू विलासतपूर्ण जीवन काट का टिकट मानते हैं वो कहीं अधिक खतरनाक स्वभाव साबित होता है वो चीन चला गया और सत्ता संघर्ष के बीच फंस गया एक उद्धरकर्ताओं की तलाश में बेचैन ग्रामीणों का मानना है कि क्रूर चिहोजी जो एक खलाया को जो जो उनके समुदाय करना है, जो हराने के लिए सिद्धू की महत्वपूर्ण है वो शुद्ध अनुभव वाले एक पाक विशेषज्ञ की किसी भी तरह के खुद को उस योद्धा में बदलना होगा जैसे कि मानते हैं सब्जी काटने वाले से हूं रो की तक का सफर संफुलित करने वाले सदस्यों और हंसी मजाक के चुनाव से भरा है क्योंकि सिद्धू चुनौतियों का एक श्रृंखला के माध्यम से अपनी हार है चांदनी चौक टू चाइना एक गतिशील कलाकार को एक साथ लाते हैं बॉलीवुड और हांगकांग सिनेमा के बीच एक ही दूरी की बांटते हैं इस आरोप के नेतृत्व तो अक्षय कुमार कर रहे थे जो अपनी एक्शन कॉमेडी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड सुपरस्टार है वो दिल्ली एक साधारण सब्जी काटने वाले सिद्धू सिद्धू सिनेमा के ल्यू सिंह से गलती से महान चीची से

के प्रदान करने के लिए हांगकांग ने होजी जो कि सिद्धू का अंतिम प्रतिद्वंदी के रूप में कदम रखा है कलाकारों की रणबीर शोरी जैसे प्रतिभाशाली रहता है जो सिद्धू के लेकिन कनारी सहायक चापचिस की भूमिका निभाते हैं और रोजर युवा इंस्पेक्टर चियांग कु की भूमिका निभाते हैं जो एक पुलिस अधिकारी है जो अच्छे और बुरे के बीच गोलीबारी में फंस जाता है ये तकनीक कलाकार एक्शन कॉमेडी और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अनूठा मिशन बनाते हुए चांदनी चौक टू चाइना की यात्रों की जीवंत बनाते हैं चांदनी चौक टू चाइना ने व्यावसायिक सफलता हासिल की लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली ब्लॉक बनने से चौकी गई फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई फिफ्टी करोड़ थी जो लगभग थर्टीन मिलियन की अमेरिकी डॉलर के बराबर है क्षेत्रीय विभाजन पर करीब से नजर डालने पर हम देख सकते हैं कि फिल्म भारत में घरेलू दर्शकों के साथ अधिक लोकप्रिय हुई यह इसने शुद्ध संग्रह में 29.46 करोड़ की एकत्रिका जो कि थर्टी करोड़ के अनुमानित बजट संग्रह है यह भारतीय बाजार में मामूली मजबूत प्रदर्शन का संकेत देता है वहीं विदेशी में फिल्म का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा चांदनी चौक टू चाइना भारत में बाहर फिफ्टीन करोड़ के लगभग यूएसए से मिलियन कंपनी ही सफल रही हालांकि फिल्म में कुछ अंतरराष्ट्रीय सराहना मिली लेकिन विदेशी में ये व्यावसायिक रूप से उतरती सफल नहीं रही गर्म मार्क पकड़ी सुगंध लेने की छोटे से अपार्टमेंट से घर गई जो नए साल की पूर्व संध्या के बेहद तेज हवाओं के झोंके का एक सुगंधित प्रति थी लेन एक दुबली पतली महिला जिसकी आंखों में उसकी खिड़की पर टकरी लटकी कागज की ललटे जैसी चमकदार थी उसके आटे की की नाजुक लौटने खुद को गुनगुनाया हर साल लेने चीनी तब वर्ष की पूर्व संध्या अकेले बिताती थी, थी एक मांगलिक फर्म की ग्राफिक डिजाइन के रूप में देख। देर तक काम करने उन्हें सामाजिक मेलजोल के लिए बहुत काम समय मिला रोमांस की तो बात ही छोड़िए हालांकि इस वर्ष आशा के किरण के अपने दिल को काम किया है अपने लोकप्रियता रेटिंग हॉन्ग होंगबाओ की ऑफ लव डाउनलोड किया था जिसका नाम छुट्टिया के दौरान पारंपरिक रूप से ऐसे से भाग्यशाली लाल लिफाफों के नाम पर रखा गया था उसके फोन पर एक सूचना आई ये तमाओ का एक संदेश था जो एक चंचल उपकर्ता नाम था एक स्वादिष्ट फकीरों का संदेश देता था संगावीच लिखा नया साल मुबारक हो आपको तस्वीर तो लग रहा है फाइलों पर लाली पकड़ों की बनाने के अपने प्यार का उल्लेख करते हुए मैपो का टाइम दिया है उनकी बातचीत सहजता से चलती रही तमा के बी नाम के एक इतिहास शिक्षक निकला जिसे चीन की सांस्कृतिक विरासत की संरक्षित करने का शौक था उन्हें वसाई ने अपनी नारिता को स्वीकार किया अक्सर स्टेट नूडल्स का सहारा लेते था इस शिक्रकर्ताओं के लेने की हंसी छूट गई जिसके बाद उसे कभी कभी पकड़ी बनाने की कला सिखाने का वादा किया है जैसे ही संबंध भेजते हैं उसने साझा करते कंटों के गए कोई भी कोई ने प्राचीन मिट्टी के बर्तनों के प्रति अपने प्रेम के बारे में बात की जो अपने उत्कृष्ट चीनी मिट्टी के के प्रसिद्ध शहर डिजाइन में भट्टों का दौरा करने का सपना देखा रहे हैं लेन देन की कलाकार प्रारंभिक शाई धोने का वाली पेंटिंग की नाजों को प्रशंसकों को अपनी आंखों के सामने जीवंत उन्हें देखने के लिए शरत कर थी जैसे ही घड़ी की घड़ी में आधी रात हुई अति व के रात में आकाश को जगमगाया दिया जिसने दुनिया पर रंगों की बिछाड़ हो गई लेने पर उत्साह को रोकने में असमर्थ रही उसने बो की एक तस्वीर भेजी नया साल मुबारक तो हो तबाव तो के उसने मैसेज किया नया साल मुबारक हो जियो लान हुआ उसका उत्तर आया उसने प्रेम के एक शब्द का उपयोग किया जिसका अर्थ था लिटिल ऑक्सी ट्रॉसम उसके शरीर में कपकपी दौड़ गई ठंडे से नहीं बल्कि अप्रत्याशित कोमलता से अगले दिन आभासी अमरसन का भंडर थे एवे ने ऐतिहासिक कलाकृतियों की तस्वीर साझा की उनकी सुंदरता पर जीवंत चर्चा हो लेने ने उसे प्राचीन मंदिरों का दौरा करते समय बताए गए रेखांकियों दिखाए उनके जटिल विवरण ने उसकी प्रतिभा की एक दोपहर एक वीडियो कॉल के दौरान आपदा का आ गई पकौड़ी बनाने की उसकी कौशल प्रदर्शित करने का प्रयास करते कर दुर्घटना में बदल गए उनका ऑनलाइन कनेक्शन दिन बहरा होता गया साझा जुनून और मूल्यों की खोज करते हुए उन्होंने ऐसे रहस्य बनाए जिन्हें वे किसी और के साथ साझा करने की हिम्मत नहीं करेंगे आखिरकार मिलने की संबंध लेने के पेट की गड्ढे में उपलब्धि हुई एक स्वादिष्ट प्रदेशा की तरह महसूस हुई आखिरकार वो दिन आ गया जब लालटेट महोत्सव नए साल की की अधिकारी का का के जश्न के आधिकारिक अंत का प्रतीक था वे स्वर्ग के प्रतिष्ठित मंदिर जो सुंदरता और शांति का स्थान में में मिलने के लिए सहमत हुए जैसे ही लेने के घबराहट अपना तिपटा ठीक किया उसने फोन पर एक सूचना आई संदेश में लिखा था कि मैं थोड़ा नारी हो सकता हूँ लेकिन मैं अपनी पसंदीदा एल जीओ लन हुआ के लिए एक विशेष उपहार लाया ऐसे वो मंदिर के मैदान में दाखिल हुई उसका दिल जोरों से धड़कने लगा उसके चारों ओर चेहरे का एक समुद्र लालटेन उनका द्वारा छोई गई हर चीज पर मार्ग चमक रिख बही थी फिर उसके देखा भाई एक खिल हुए पेड़ के पेड़ के नीचे खड़ा था उसके होटो पर एक शनबीले मुस्कान थे उसके हाथ में उनके एक अकल उत्कृष्ट चीनी मिट्टी का फुलदान पकड़ रखा था जिसकी स्न मौजूद पुष्प प्रदर्शन से जुड़ी हुई थी जो उसकी अपनी कलाकृति की याद दिलाती है लेन की आंखों में आंसू आ गए बिना केवल उसे उसका सपना याद था बल्कि फुलदान अपने आम में एक उत्कृष्ट कृति थी जो उनके बीच साझा संबंधों का एक पूर्ण मुद्दाफित था उनका पहला चुंबन अतीत था लेकिन एक निर्विवाद चिंगारी से भरा हुआ था जैसे ही वे मंदिर में बगीचे में हाथ में हाथ डाले हुए रहते उनकी हंसी उत्सव की बातचीत के साथ मिली थी ऐसा लग रहा था कि उनके जीवन में एक नया अध्ययन खुल गया है जीवन दुनिया में उन्हें एक साथ लाया था लेकिन यह उनकी संस्कृति के प्रति साझा प्रेम उनके सपने और रसाई के उनके नारीपन थी जिसमें वास्तव में एक बंधन बना गया था चीनी वर्ष का जादू भले ही समाप्त हो गया हो लेकिन लेन और ब्योई के लिए किसी भी अतिशबाजी प्रदर्शन से भी अधिक सुंदर प्रेम कहानी अभी शुरू हुई थी गतिशील कलाकार को एक साथ लाते हैं बॉलीवुड और हांगकॉन्ग सिनेमा के बीच एक ही दूरी की हैं इस आरोप नेतृत्व तो अक्षय कुमार कर रहे थे जो अपनी एक्शन कॉमेडी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड सुपरस्टार दिल्ली एक साधारण सब्जी काटने वाले सिद्धू सिद्धू सिनेमा के भी ल्यू सिंह से गलती से महान चीची से योद्धा सिद्धू समझ लिया था ये दोहरी भूमिका निभाते हैं दीपिका पाडुकोन ने दोहरी भूमिका के साथ अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया वो एक उत्साही भारतीय महिला सखी और एक छिपे हुए एजेंट के साथ एक ग्लैमरस चीनी महसूस मुझी माओ माओ का किरदार निभाती है दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के मौजूदगी से ये फिल्म और भी समृद्ध हो गई ये सिद्धू के पिता और स्थानीय गैंगस्टर दोनों की भूमिका निभाते हैं जो कहानी में गहराई और रहस्य का जोड़ते हैं मार्शल आर्ट दृश्यों का प्रारमिकता प्रदान करने के लिए हांगकांग सिनेमा के प्रसिद्ध गॉर्डन लियो ने खलनायक होजी जो कि सिद्धू का अंतिम प्रतिद्वंदी के रूप में कदम रखा है कलाकारों के रणबीर शोरी जैसे प्रतिभाशाली रहता है जो सिद्धू के वफादार लेकिन कनारी सहायक चापचिस की भूमिका निभाते हैं और रोजर युवा इंस्पेक्टर चंग कु की भूमिका निभाते हैं जो एक पुलिस अधिकारी है जो अच्छे और बुरे के बीच गोलीबारी में फंस जाता है ये कलाकार एक्शन कॉमेडी और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अनूठा मिश्रण बनाते हुए चांदनी चौक टू चाइना की यात्रों की जीवंत बनाते हैं चांदनी चौक टू चाइना ने व्यावसायिक सफलता हासिल की लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली ब्लॉक बनने से चौकी गई फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई फिफ्टी करोड़ थी जो लगभग थर्टीन मिलियन की अमेरिकी डॉलर के बराबर है क्षेत्रीय विभाजन पर करीब से नजर डालने पर हम देख सकते हैं कि फिल्म भारत में घरेलू दर्शकों के साथ अधिक लोकप्रिय हुई यहां इसने शुद्ध संग्रह में 29.46 करोड़ की यकतरीका जो कि 37.77 करोड़ के अनुमानिक कुल संग्रह है ये भारतीय बाजार में मामूली मजबूत प्रदर्शन का संकेत देता है वहीं विदेशी में फिल्म का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा चांदी चौक टू चाइना भारत में बाहर फिफ्टीन करोड़ के लगभग यूएसए से थ्री मिलियन कंपनी हुई सफल रही हालांकि फिल्म में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सराहना मिली लेकिन विदेशी में ये व्यावसायिक रूप से उतरती सफल नहीं रही गर्म मार्क पकड़ी की सुगंध जीओ लेने की छोटे से अपार्टमेंट से घर गई जो नए साल की पूर्व संध्या के बेहद तेज हवाओं के झोंके का एक सुगंधित प्रति थी लेन एक दुबली पतली महिला जिसकी आंखों में उसकी खिड़की पर टकरी लटकी कागज की ललटे जैसी चमकदार थी उसके आटे की की नाजुक लौटने खुद को गुनगुनाया हर साल लेने चीनी तब वर्ष की पूर्व संध्या बिता दी थी, थी एक मांगलिक फर्म की ग्राफिक डिजाइन के रूप में देख देर तक काम करने उन्हें सामाजिक मेलजोल के लिए बहुत काम समय मिला रोमांस की तो बात ही छोड़िए हालांकि इस वर्ष आशा के किरण के अपने दिल को कार्म किया है अपने लोकप्रियता रेटिंग होंग बाओ की ऑफ लव डाउनलोड किया था जिसका नाम छुट्टिया के दौरान पारंपरिक रूप से ऐसे से भाग्यशाली लाल लिफाफों के नाम पर रखा गया था उसके फोन पर एक सूचना आई ये तमाओ का एक संदेश था जो एक चंचल उपकर्ता नाम था एक स्वादिष्ट फकीरों का संदेश देता था

वसाई में अपनी नारीता को स्वीकार किया अक्सर स्टेट नूडल्स का सहारा लेते था, इस शिक्रकर्ताओं के लेने की हंसी छूट गई जिसके बाद उसे हम कभी कभी पकड़ी बनाने की कला सिखाने का वादा किया है जैसे ही संबंध भेजते हैं उसने साझा करते कंटों के गए कोई भी कोई न प्राचीन मिट्टी के बर्तनों के प्रति अपने प्रेम के बारे में बात की जो अपने उत्कृष्ट चीनी मिट्टी के के प्रसिद्ध सार डिजाइन में भट्टों का दौरा करने का सपना देखा रहे हैं लेन देन की कलाकार प्रारंभिक शाई धोने का वाली पेंटिंग की नाजों को प्रशंसकों को अपनी आंखों के सामने जीवंत उन्हें देखने के लिए कर रहती थी जैसे ही घड़ी की घड़ी में आधी रात हुई अति बबाजी के रात में आकाश को जगमगाया दिया जिसने दुनिया पर रंगों की बिछाड़ हो गई लेने पर उत्साह को रोकने में असमर्थ रही उसने बो की एक तस्वीर भेजी नया साल मुबारक तो हो तबाव तो के उसने मैसेज किया नया साल मुबारक हो जियो लान हुआ उसका उत्तर आया उसने प्रेम के एक शब्द का उपयोग किया जिसका अर्थ था लिटिल ऑक्सी ट्रॉसम उसके शरीर में कपकपी दौड़ गई ठंडे से नहीं बल्कि अप्रत्याशित कमलता से अगले दिन आभासी अमेशन का भवंडर थे एवे ने ऐतिहासिक कलाकृतियों की तस्वीर साझा की उनकी सुंदरता पर जीवंत चर्चा हो लेने ने उसे प्राचीन मंदिरों का दौरा करते समय बताए गए रेखांकियों दिखाए उनके जटिल विवरण ने उसकी प्रतिभा की एक दोपहर एक वीडियो कॉल के दौरान आपदा का आ गई पकौड़ी बनाने की उसकी कौशल के प्रदर्शित करने का प्रयास करते समय लेने ने गलती से से उसकी एक छोटे से कर दिया पर बिखरा गया उसे हौसले लगे दुर्घटना में उनके संबंध को और मजबूत कर दिया दिन हफ्तों में बदल गए उनका ऑनलाइन कनेक्शन दिन बहरा होता गया साझा जुनून और मूल्यों की खोज करते हुए उन्होंने ऐसे रहस्य बनाए जिन्हें वे किसी और के साथ साझा करने की हिम्मत नहीं करेंगे आखिरकार मिलने की संबंध लेने के पेट की गड्ढे में उपलब्धि हुई एक स्वादिष्ट प्रदर्शा की तरह महसूस हुई आखिरकार वो दिन आ गया जब लालटेड महोत्सव नए साल की की के जश्न के आधिकारिक अंत का प्रतीक था वे स्वर्ग के प्रतिष्ठित मंदिर जो सुंदरता और शांति का स्थान में में मिलने के लिए सहमत हुए जैसे ही लेने के घबराहट अपना तिपटा ठीक किया उसने फोन पर एक सूचना आई संदेश में लिखा था कि मैं थोड़ा नारी हो सकता हूँ लेकिन मैं अपनी पसंदीदा एल जीओ के लिए एक विशेष उपहार लाया हूँ ऐसे वो मंदिर के मैदान में दाखिल हुई उसका दिल जोरों से धड़कने लगा उसके चारों ओर चेहरे का एक समुद्र घूम उठा लालटेन उनका द्वारा छोई गई हर चीज पर मार्ग चमक रिख बही थी फिर उसके देखा भाई एक खिल हुए पेड़ के पेड़ के नीचे खड़ा था उसके होटों पर एक शमवीले मुस्कान थे उसके हाथ में उनके एक अकल और कृष्ट चीनी मिट्टी का फुलदान पकड़ रखा था जिसकी स्न मजबूत पुष्प प्रदर्शन से जुड़ी हुई थी जो उसकी अपनी कलाकृति की याद दिलाती है लेन की आंखों में आंसू आ गए बिना केवल उसे उसका सपना याद था बल्कि फुलदान अपने आम में एक उत्कृष्ट थी जो उनके बीच साझा संबंधों का एक पूर्ण पूर्णस्फित था उनका पहला चुंबन अतीत था लेकिन एक निर्विवाद चिंगारी से भरा हुआ था जैसे ही वे मंदिर में बगीचे में हाथ में हाथ डाले हुए रहते उनकी हंसी उत्सव की बातचीत के साथ मिली थी ऐसा लग रहा था कि उनके न्यूज में एक नया अध्ययन खुल गया है जीवन दुनिया में उन्हें एक साथ लाया था लेकिन यह उनकी संस्कृति के प्रति साझा प्रेम उनके सपने और रोसाई के उनके नारीपन थी जिसमें वास्तव में एक बंधन बना गया था चीनी वर्ष का जादू भले ही समाप्त हो गया हो लेकिन लेन और ब्योई के लिए किसी भी अतिशबाजी प्रदर्शन से भी अधिक सुंदर प्रेम कहानी अभी शुरू हुई थी गतिशील कलाकार को एक साथ लाते हैं बॉलीवुड और हांगकॉन्ग सिनेमा के बीच एक ही दूरी तो अक्षय कुमार कर रहे थे जो अपनी एक्शन कॉमेडी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड सुपरस्टार दिल्ली एक साधारण सब्जी काटने वाले सिद्धू सिद्धू सिनेमा के ल्यू सिंह गलती से महान चींची से योद्धा सिद्धू समझ लिया था कि दोहरी भूमिका निभाते हैं दीपिका पाडुकोन ने दोहरी भूमिका के साथ अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया वो एक उत्साही भारतीय महिला सखी और एक छिपे हुए एजेंट के साथ एक ग्लैमरस चीनी महसूस मूजी माओ माओ का किरदार निभाती है दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के मौजूदगी से ये फिल्म और भी समृद्ध हो गई ये सिद्धू के पिता और स्थानीय गैंगस्टर दोनों की भूमिका निभाते हैं जो कहानी में गहराई और रहस्य का जोड़ते हैं मार्शल आर्ट दृश्यों का प्रा... प्रारमिकता प्रदान करने के लिए हांगकांग सिनेमा के प्रसिद्ध गॉर्डन लियोग ने खलनायक होजी जो कि सिद्धू का अंतिम प्रतिद्वंदी के रूप में कदम रखा है कलाकारों के रणबीर शोरी जैसे प्रतिभाशाली रहता है जो सिद्धू के वफादार लेकिन कनाड़ी सहायक चापसिस्ट की भूमिका निभाते हैं और रोजर युवा इंस्पेक्टर चंग कु की भूमिका निभाते हैं जो एक पुलिस अधिकारी है जो अच्छे और बुरे के बीच गोलीबारी में फंस जाता है कलाकार एक्शन कॉमेडी और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अनूठा मिश्रण बनाते हुए चांदनी चौक टू चाइना की यात्रों की जीवंत बनाते हैं चांदनी चौक टू चाइना ने व्यावसायिक सफलता हासिल की लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली ब्लॉक बनने से चूक गई फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई फिफ्टी करोड़ थी जो लगभग थर्टीन मिलियन की अमेरिकी डॉलर के है विभाजन पर से नजर डालने पर हम देख सकते हैं कि फिल्म भारत में घरेलू दर्शकों के साथ अधिक लोकप्रिय हुई यहां इसने शुद्ध संग्रह में ट्वेंटी की एकत्रिका जो कि थर्टी करोड़ के अनुमानित बजट संग्रह है यह भारतीय बाजार में मामूली मजबूत प्रदर्शन का संकेत देता है वहीं विदेशी में फिल्म का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा चांदनी चौक टू चाइना भारत में बाहर फिफ्टीन पॉइंट सिक्स सेवन करोड़ के लगभग यूएसए से थ्री पॉइंट नाइन सेवन मिलियन कंपनी हुई सफल रही हालांकि फिल्म में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सराहना मिली लेकिन विदेशी में ये व्यावसायिक रूप से उतरती सफल नहीं रही गर्म मार्क पकड़ी की सुगंध लेने छोटे से से अपार्टमेंट से घर गई जो नए साल की फूल संध्या के बेहद तेज हवाओं के झोंके का एक सुगंधित प्रति थी लेन एक दुबली पतली महिला जिसकी आंखों में उसकी खिड़की पर टकरी लटकी कागज की ललटे जैसी चमकदार थी उसके आटे की की नाजुक लौटने खुद को गुनगुनाया हर साल लेने चीनी तब वर्ष की पूर्व संध्या अकेले बिता दी थी, थी एक मांगलिक फर्म की ग्राफिक डिजाइन के रूप में देख देर तक काम करने उन्हें सामाजिक मेलजोल के लिए बहुत काम समय मिला रोमांस की तो बात ही छोड़िए हालांकि इस वर्ष आशा के किरण के अपने दिल को कार्म किया है अपने लोकप्रियता रेटिंग हॉन्ग बाओ की ऑफ लव डाउनलोड किया था जिसका नाम छुट्टिया के दौरान पारंपरिक रूप से ऐसे से भाग्यशाली लाल लिफाफों के नाम पर रखा गया था उसके फोन पर एक सूचना आई ये तमाओ का एक संदेश था जो एक चंचल उपयोगकर्ता नाम था एक स्वादिष्ट फकीरों का संदेश देता था संगावीच लिखा नया साल मुबारक हो आपको तस्वीर तो लग रहा है जो फिर नीचे के अपने प्यार का उल्लेख करते हुए मैपो का टाइम दिया है उनकी बातचीत सहजता से चलती रही तमाओं के बी नाम के एक इतिहास शिक्षक निकला जिसे चीन की सांस्कृतिक विरासत की संरक्षित करने का शौक था उन्हें ओसाई ने अपनी नारीता को स्वीकार किया अक्सर स्टेट नूडल्स का सहारा लेते था, इस शिक्रकर्ताओं के लेने की हंसी छूट गई जिसके बाद उसे कभी कभी पकड़ी बनाने की कला सिखाने का वादा किया है जैसे ही संबंध भेजते हैं उसने साझा करते कंटों के गए कोई भी कोई न प्राचीन मिट्टी के बर्तनों के प्रति अपने प्रेम के बारे में बात की जो अपने उत्कृष्ट चीनी मिट्टी के के प्रसिद्ध शहर डिजाइन में भट्टों का दौरा करने का सपना देखा रहे हैं लेन देन की कलाकार प्रारंभिक शाही धोने का वाली पेंटिंग की नाजों को प्रशंसकों को अपनी आंखों के सामने जीवंत उन्हें देखने के लिए शर्त रहती थी जैसे ही घड़ी की घड़ी में आधी रात हुई अति व के रात में आकाश को जगमगाया दिया जिसने दुनिया पर रंगों की बिछाड़ हो गई लेने पर उत्साह को रोकने में असमर्थ रही उसने बो की एक तस्वीर भेजी नया साल मुबारक तो हो तो भाव के उसने मैसेज किया नया साल मुबारक हो जियो लान हुआ उसका उत्तर आया उसने प्रेम के एक शब्द का उपयोग किया जिसका अर्थ था लिटिल ब्लॉसम उसके शरीर में कपकपी दौड़ गई ठंडे से नहीं बल्कि अप्रत्याशित कमलता से अगले दिन आभासी अमरसन का वंडर थे एवे ने ऐतिहासिक कलाकृतियों की तस्वीर साझा की उनकी सुंदरता पर जीवंत चर्चा लेने उसे प्राचीन मंदिरों का दौरा करते समय बताए गए रेखांकियों दिखाए उनके जटिल विवरण ने उसकी प्रतिभा की एक दोपहर एक वीडियो कॉल के दौरान आपदा का आ गई पकौड़ी बनाने के उसकी की उसकी कौशल प्रदर्शित करने का प्रयास करते समय कर दुर्घटना तो में बदल गए उनका ऑनलाइन कनेक्शन दिन बहरा होता गया साझा जुनून और मूल्यों की खोज करते हुए उन्होंने ऐसे रहस्य बनाए जिन्हें वे किसी और के साथ साझा करने की हिम्मत नहीं करेंगे आखिरकार मिलने की संबंध लेने के पेट की गड्ढे में उपलब्धि हुई एक स्वादिष्ट प्रदेशा की तरह महसूस हुई आखिरकार वो दिन आ गया जब लालटेट महोत्सव नए साल की की का का के जश्न के आधिकारिक अंत का प्रतीक था वे स्वर्ग के प्रतिष्ठित मंदिर जो सुंदरता और शांति का स्थान में में मिलने के लिए सहमत हुए जैसे ही लेने के घबराहट अपना दिपटा ठीक किया उसने फोन पर एक सूचना आई संदेश में लिखा था कि मैं थोड़ा नारी हो सकता हूँ लेकिन मैं अपनी पसंदीदा एल जियो लनहुआ के लिए एक विशेष उपहार लाया हूँ ऐसे वो मंदिर के दो मैदान में दाखिल हुई उसका दिल जोरों से धड़कने लगा उसके चारों ओर चेहरे का एक समुद्र घूम उठा लालटेन उनका द्वारा छुई गई हर चीज पर मार्ग चमक रिख बही थी फिर उसके देखा भाई एक खिल हुए पेड़ के पेड़ के नीचे खड़ा था उसके होटों पर एक शनबीले मुस्कान थी उसके हाथ में उनके एक अखल उत्कृष्ट चीनी मिट्टी का फुलदान पकड़ रखा था जिसकी स्नह मौजूद पुष्प प्रदर्शन से जुड़ी हुई थी जो उसकी अपनी कलाकृति की याद दिलाती है लेन की आंखों में आंसू आ गए बिना केवल उसे उसका सपना याद था बल्कि फुलदान अपने आम

नारीपन थी जिसमें वास्तव में एक बंधन बनाया गया था चीनी नव वर्ष का जादू भले ही समाप्त हो गया हो लेकिन लेन और ब्योई के लिए किसी भी अतिशबाजी प्रदर्शन से भी अधिक सुंदर प्रेम कहानी अभी शुरू हुई थी गतिशील कलाकार को एक साथ लाते हैं बॉलीवुड और हांगकांग सिनेमा के बीच एक ही दूरी की बांटते हैं इस आरोप के नेतृत्व तो अक्षय कुमार कर रहे थे जो अपनी एक्शन कॉमेडी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड सुपरस्टार है दिल्ली एक साधारण सब्जी काटने वाले सिद्धू सिद्धू शर्मा के भी ल्यू सिंह गलती से महान चीची से योद्धा सिद्धू समझ लिया था ये दोहरी भूमिका निभाते हैं दीपिका पाडुकोन ने दोहरी भूमिका के साथ अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया वो एक उत्साही भारतीय महिला सखी और एक छिपे हुए एजेंट के साथ एक ग्लैमरस चीनी महसूस मुझी माओ माओ का किरदार निभाती है दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के मौजूदगी से ये फिल्म और भी समृद्ध हो गई ये सिद्धू के पिता और स्थानीय गैंगस्टर दोनों की भूमिका निभाते हैं जो कहानी में गहराई और रहस्य का जोड़ते हैं मार्शल आर्ट दृश्यों का प्रा... को प्रदान करने के लिए हांगकांग सिनेमा के प्रसिद्ध गॉर्डन लियोग ने खलनायक होजी जो कि सिद्धू का अंतिम प्रतिद्वंद्वी के रूप में कदम रखा है कलाकारों के रणबीर शौरी जैसे प्रतिभाशाली रहता है जो सिद्धू के वफादार लेकिन कनाड़ी सहायक चापचिस की भूमिका निभाते हैं और रोजर युवा इंस्पेक्टर चियांग कु की भूमिका निभाते हैं जो एक पुलिस अधिकारी है जो अच्छे और बुरे के बीच गोलीबारी में फंस जाता है ये कलाकार एक्शन कॉमेडी और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अनूठा मिश्रण बनाते हुए चांदनी चौक टू चाइना की यात्रों की जीवंत बनाते हैं चांदनी चौक टू चाइना ने व्यावसायिक सफलता हासिल की लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली ब्लॉक बनने से चौकी गई फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई फिफ्टी करोड़ थी जो लगभग थर्टीन मिलियन की अमेरिकी डॉलर के है क्षेत्र विभाजन पर कड़ी से नजर डालने पर हम देख सकते हैं कि फिल्म भारत में घरेलू दर्शकों के साथ अधिक लोकप्रिय हुई यह इसने शुद्ध संग्रह में ट्वेंटी करोड़ की एकत्रिका जो कि थर्टी करोड़ के अनुमानित बजट संग्रह है यह भारतीय बाजार में मामूली मजबूत प्रदर्शन का संकेत देता है वहीं विदेशी में फिल्म का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा चांदनी चौक टू चाइना भारत में बाहर फिफ्टीन पॉइंट सिक्स सेवन करोड़ के लगभग यू एस एस थ्री पॉइंट नाइन सेवन मिलियन कंपनी भी सफल रही हालांकि फिल्म में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सराहना मिली लेकिन विदेशी में ये व्यावसायिक रूप से उतरती सफल नहीं रही गर्म मार्क पकड़ी की सुगंध जीओ लेने की छोटे से से अपार्टमेंट से घर गई जो नए साल की पूर्व संध्या के बेहद तेज हवाओं के झोंके का एक सुगंधित प्रति थी लेन एक दुबली पतली महिला जिसकी आंखों में उसकी खिड़की पर टकरी लटकी कागज की ललटेज जैसी चमकदार थी उसके आटे की नाजुक लौटने खुद को गुनगुनाया हर साल लेने चीनी तब वर्ष की पूर्व संध्या बिता दी थी, थी एक मांगलिक फर्म की ग्राफिक डिजाइन के रूप में देख देर तक काम करने उन्हें सामाजिक मेलजोल के लिए बहुत काम समय मिला रोमांस की तो बात ही छोड़िए हालांकि इस वर्ष आशा के किरण के अपने दिल को कार्म किया है अपने लोकप्रियता रेटिंग हॉन्ग बाओ की ऑफ लव डाउनलोड किया था जिसका नाम छुट्टिया के दौरान पारंपरिक रूप से ऐसे से भगोशाली लाल लिफाफों के नाम पर रखा गया था उसके फोन पर एक सूचना आई ये तमाओ का एक संदेश था जो एक चंचल उपयोगकर्ता नाम था एक सौदिश फकीरों का संदेश देता था मुबारक हो प्रोफाइल तस्वीर तो लग रहा है जो फिर नीचे खिलती हुई शाखा लेने की गलों पर लाली दौड़ गई ये लंबे समय से किसी पुरुष के उसे मिली पहली प्रशंसा थी उसने उसे धन्यवाद देते हुए प्रारंभिक पकड़ों के बनाने की अपने प्यार का उल्लेख करते हुए मैपोकर का टाइम दिया है उनकी बातचीत सहजता से चलती रही तमाओं के नाम के एक शिक्षक निकला जिसे चीन की सांस्कृतिक विरासत की संरक्षित करने का शौक था उन्हें ऊसाई में अपनी नारीता को स्वीकार किया अक्सर स्टेट नूडल्स का सहारा लेते था। इस शिक्षकर्ताओं के लेने की हंसी छूट गई जिसके बाद उसे हम कभी कभी पकड़ी बनाने की कला सिखाने का वादा किया है जैसे ही संबंध भेजते हैं उसने साझा करते कंटों के गए कोई भी कोई न प्राचीन मिट्टी के बर्तनों के प्रति अपने प्रेम के बारे में बात की जो अपने उत्कृष्ट चीनी मिट्टी के के प्रसिद्ध शहर डिजाइन में भट्टों का दौरा करने का सपना दिखा रहे हैं लेन देन की कलाकार प्रारंभिक शाही धोने का वाली पेंटिंग की नाजों को प्रशंसकों को अपनी आंखों के सामने जीवंत उन्हें देखने के लिए कर रहती थी जैसे ही घड़ी की घड़ी में आधी रात हुई अति बबाजी के रात में आकाश को जगमगाया दिया जिसने दुनिया पर रंगों की बिछाड़ हो गई लेने पर उत्साह को रोकने में असमर्थ रही उसने बो की एक तस्वीर भेजी नया साल मुबारक तो हो तबाह तो के उसने मैसेज किया नया साल मुबारक हो जियो लान हुआ उसका उत्तर आया उसने प्रेम के एक शब्द का उपयोग किया जिसका अर्थ था लिटिल ब्लॉसम उसके शरीर में कपकपी दौड़ गई ठंडे से नहीं बल्कि अप्रत्याशित कमलता से अगले दिन आभासी अमेशन का वंडर थे एवे ने ऐतिहासिक कलाकृतियों की तस्वीर साझा की उनकी सुंदरता पर जीवंत चर्चा हो लेने ने उसे प्राचीन मंदिरों का दौरा करते समय बताए गए रेखांकियों दिखाए उनके जटिल विवरण ने उसकी प्रतिभा की एक दोपहर एक वीडियो कॉल के दौरान आपदा का आ गई पकौड़ी बनाने की उसकी कौशल प्रदर्शित करने का प्रयास करते समय लेने ने गलती से ऑनलाइन कनेक्शन दिन बहरा होता गया साझा जुनून और मूल्यों की खोज करते हुए उन्होंने ऐसे रहस्य बनाए जिन्हें वे किसी और के साथ साझा करने की हिम्मत नहीं करेंगे आखिरकार मिलने की संबंध लेने के पेट की गड्ढे में उपलब्धि हुई एक स्वादिष्ट प्रदशा की तरह महसूस हुई आखिरकार वो दिन आ गया जब लालटेन महोत्सव नए साल की की अधिकारी का का के जश्न के आधिकारिक अंत का प्रतीक था वे स्वर्ग के प्रतिष्ठित मंदिर जो सुंदरता और शांति का स्थान में में मिलने के लिए सहमत हुए जैसे ही लेने के घबराहट अपना दिपटा ठीक किया उसने फोन पर एक सूचना आई संदेश में लिखा था कि मैं थोड़ा नारी हो सकता हूँ लेकिन मैं अपनी पसंदीदा एल लनहुआ के लिए एक विशेष उपहार लाया हूँ ऐसे बो मंदिर के मैदान में दाखिल हुई उसका दिल जोरों से धड़कने लगा उसके चारों ओर चेहरे का एक समुद्र घूम उठा लालटेन उनका द्वारा छोई गई हर चीज पर मार्ग चमक रिख बही थी फिर उसके देखा भाई एक खिल हुए पेड़ के पेड़ के नीचे खड़ा था उसके होटों पर एक शनबीले मुस्कान थी उसके हाथ में उनके एक अखल उत्कृष्ट चीनी मिट्टी का फुलदान पकड़ रखा था जिसकी स्नह मौजूद पुष्प प्रदर्शन से जुड़ी हुई थी जो उसकी अपनी कलाकृति की याद दिलाती है लेन की आंखों में आंसू आ गए बिना केवल उसे उसका सपना याद था बल्कि फुलदान अपने आम में एक उत्कृष्ट थी जो उनके बीच साझा संबंधों का पूर्ण पूर्णस्फित था उनका पहला चुंबन अतीत था लेकिन एक निर्विवाद चिंगारी से भरा हुआ था जैसे ही वे मंदिर में बगीचे में हाथ में हाथ डाले हुए रहते उनकी हंसी उत्सव की बातचीत के साथ मिली थी ऐसा लग रहा था कि उनके में एक नया अध्ययन खुल गया है जीवन दुनिया में उन्हें एक साथ लाया था लेकिन यह उनकी संस्कृति के प्रति साझा प्रेम उनके सपने और रोसाई के उनके नारीपन थी जिसमें वास्तव में एक बंधन बना गया था चीनी नव वर्ष का जादू भले ही समाप्त हो गया हो लेकिन लेन और ब्योई के लिए किसी भी अतिशबाजी प्रदर्शन से भी अधिक सुंदर प्रेम कहानी अभी शुरू हुई थी गतिशील कलाकार को एक साथ लाते हैं बॉलीवुड और हांगकांग सिनेमा के बीच एक ही दूरी की हैं इस आरोप के नेतृत्व तो अक्षय कुमार कर रहे थे जो अपनी एक्शन कॉमेडी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड सुपरस्टार दिल्ली एक साधारण सब्जी काटने वाले सिद्धू सिद्धू सिनेमा के ल्यू सिंह गलती से महान चीची से योद्धा सिद्धू समझ लिया था ये दोहरी भूमिका निभाते हैं दीपिका पाडुकोन ने दोहरी भूमिका के साथ अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया वो एक उत्साही भारतीय महिला सखी और एक छिपे हुए एजेंट के साथ एक ग्लैमरस चीनी महसूस मूजी माओ माओ का किरदार निभाती है दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के मौजूदगी से ये फिल्म और भी समृद्ध हो गई ये सिद्धू के पिता और स्थानीय गैंगस्टर दादा दोनों की भूमिका निभाते हैं जो कहानी में गहराई और रहस्य का जोड़ते हैं मार्शल आर्ट दृश्यों का प्रारमता प्रदान करने के लिए हांगकांग सिनेमा के प्रसिद्ध गॉर्डन लियोग ने खलनायक जो कि सिद्धू का अंतिम प्रतिद्वंदी के रूप में कदम रखा है कलाकारों के रणबीर शोरी जैसे प्रतिभाशाली अभिनेता है जो सिद्धू के लेकिन कनाड़ी सहायक चापसिस की भूमिका निभाते हैं और रोजर युवा इंस्पेक्टर चंग कु की भूमिका निभाते हैं जो एक पुलिस अधिकारी है जो अच्छे और बुरे के बीच गोलीबारी में फंस जाता है ये कलाकार एक्शन कॉमेडी और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अनूठा मिश्रण बनाते हुए चांदनी चौक टू चाइना की यात्रों की जीवंत बनाते हैं चांदनी चौक टू चाइना ने व्यावसायिक सफलता हासिल की लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली ब्लॉकबास्टर बनने से चौकी गई फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई फिफ्टी करोड़ थी जो लगभग थर्टीन मिलियन की अमेरिकी डॉलर की है क्षेत्र विभाजन पर करीब से नजर डालने पर हम देख सकते हैं कि फिल्म भारत में घरेलू दर्शकों के साथ अधिक लोकप्रिय हुई यहां इसने शुद्ध संग्रह में ट्वेंटी करोड़ की एकत्रिका जो कि थर्टी करोड़ के अनुमानित बजट संग्रह है यह भारतीय बाजार में मामूली मजबूत प्रदर्शन का संकेत देता है वहीं विदेशी में फिल्म का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा चांदनी चौक टू चाइना भारत में बाहर फिफ्टीन पॉइंट सिक्स सेवन करोड़ के लगभग यू एस से थ्री पॉइंट नाइन सेवन मिलियन कंपनी भी सफल रही हालांकि फिल्म में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सराहना मिली लेकिन विदेशी में ये व्यावसायिक रूप से उतरती सफल नहीं रही गर्म मार्ग पकड़ी कि सुगंध लेने की छोटे से से अपार्टमेंट से घर गई जो नए साल की पूर्व संध्या के बेहद तेज हवाओं के झोंके का एक सुगंधित प्रति थी लेन एक दुबली पतली महिला जिसकी आंखों में उसकी खिड़की पर टकरी लटकी कागज की ललटेज जैसी चमकदार थी उसके आटे की की नाजुक खुद को गुनगुनाया हर साल लेने चीनी तब वर्ष की पूर्व संध्या बिता दी थी, थी एक मांगलिक फर्म की ग्राफिक डिजाइन के रूप में देख देर तक काम करने उन्हें सामाजिक मेलजोल के लिए बहुत काम समय मिला रोमांस की तो बात ही छोड़िए हालांकि इस वर्ष आशा के किरण के अपने दिल को कार्म किया है अपने लोकप्रियता रेटिंग ने होंगबाओ की ऑफ लव डाउनलोड किया था जिसका नाम छुट्टिया के दौरान पारंपरिक रूप से ऐसे से भाग्यशाली लाल लिफाफों के नाम पर रखा गया था उसके फोन पर एक सूचना आई ये तमाओ का एक संदेश था जो एक चंचल उपयोगकर्ता नाम था एक स्वादिष्ट फकीरों का संदेश देता था संगावीच लिखा नया साल मुबारक हो आपको प्रोफाइल तस्वीर ये तो लग रहा है जो फिर नीचे के खिलती हुई शाखा ढा के लेने की गलों पर लाली दौड़ गई ये लंबे समय से किसी पुरुष के उसे मिली पहली प्रशंसा थी उसने उसे धन्यवाद देते हुए प्रारंभिक पकड़ों की बनाने के अपने प्यार का उल्लेख करते हुए पैपो का टाइम दिया है उनकी बातचीत सहजता से चलती रही के भी नाम के एक इतिहास शिक्षक निकला जिसे चीन की सांस्कृतिक विरासत की संरक्षित करने का शौक था उन्हें ऊसाई में अपनी नारीता को स्वीकार किया अक्सर स्टेट नूडल्स का सहारा लेते था। इस शिक्षकर्ताओं के लेने की हंसी छूट गई जिसके बाद उसे कभी कभी पकड़ी बनाने की कला सिखाने का वादा किया है जैसे संबंध भेजते हैं उसने साझा करते कंटों के कोई भी शहर कोई डिजाइन के 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 में भट्टों का दौरा करने का सपना देखा रहे हैं लेन देन की कलाकार प्रारंभिक शाही धोने का वाली पेंटिंग के नाजों को प्रशंसकों को अपनी आंखों के सामने जीवंत उन्हें देखने के लिए शरत दी थी जैसे ही घड़ी की घड़ी में आधी रात हुई अति व के रात में आकाश को जगमगाया दिया जिसने दुनिया पर रंगों की बिछार हो गई लेने पर उत्साह को रोकने में असमर्थ रही उसने बो की एक तस्वीर भेजी नया साल मुबारक तो हो तबाह तो के उसने मैसेज किया नया साल मुबारक हो जियो लान हुआ उसका उत्तर आया उसने प्रेम के एक शब्द का उपयोग किया जिसका अर्थ था लिटिल ब्लॉसम उसके शरीर में कपकपी दौड़ गई ठंडे से नहीं बल्कि अप्रत्याशित कोमलता से अगले दिन आभासी अमृतसर का वंडर थे एवे ने ऐतिहासिक कलाकृतियों की तस्वीर साझा की उनकी सुंदरता पर जीवंत चर्चा हुई लेने ने उसे प्राचीन मंदिरों का दौरा करते समय बताए गए रेखांकियों दिखाए उनके जटिल विवरण ने उसकी प्रतिभा की एक दोपहर एक वीडियो कॉल के दौरान आपदा का आ गई पकौड़ी बनाने की उसकी कौशल प्रदर्शित करने का प्रयास करते समय लेने ने गलती से ऑनलाइन कनेक्शन दिन बहरा होता गया साझा जुनून और मूल्यों की खोज करते हुए उन्होंने ऐसे रहस्य बनाए जिन्हें वे किसी और के साथ साझा करने की हिम्मत नहीं करेंगे आखिरकार मिलने की संबंध लेने के पेट की गड्ढे में उपलब्धि हुई एक स्वादिष्ट प्रदेशा की तरह महसूस हुई आखिरकार वह दिन आ गया जब लालटेत महोत्सव नए साल की की का का के जश्न के आधिकारिक अंत का प्रतीक था वे स्वर्ग के प्रतिष्ठित मंदिर जो सुंदरता और शांति का स्थान में में मिलने के लिए सहमत हुए जैसे ही लेने के कबराहट अपना दिपुटा ठीक किया उसने फोन पर एक सूचना आई संदेश में लिखा था कि मैं थोड़ा नारी हो सकता हूँ लेकिन मैं अपनी पसंदीदा एल जियो लनहुआ के लिए एक विशेष उपहार लाया हूँ ऐसे वो मंदिर के मैदान में दाखिल हुई उसका दिल जोरों से धड़कने लगा उसके चारों ओर चेहरे का एक समुद्र घूम उठा लालटेन उनका द्वारा छोई गई हर चीज पर मार्ग चमक रिख बही थी फिर उसके देखा भाई एक खिल हुए पेड़ के पेड़ के नीचे खड़ा था उसके होटों पर एक शनबीले मुस्कान थे उसके हाथ में उनके एक अखल उत्कृष्ट चीनी मिट्टी का फुलदान पकड़ रखा था जिसकी स्ने मौजूद पुष्प प्रदर्शन से जुड़ी हुई थी जो उसकी अपनी कलाकृति की याद दिलाती है लेन की आंखों में आंसू आ गए बिना केवल उसे उसका सपना याद था बल्कि फुलदान अपने आम में एक उत्कृष्ट कृति थी जो उनके बीच साझा संबंधों का बगीचे में, में हंसी हाथ में, हाथ उत्सव की बातचीत के साथ मिली थी ऐसा लग रहा था उनके में एक नया अध्ययन खुल गया है जीवन दुनिया में उन्हें एक साथ लाया था लेकिन यह उनकी संस्कृति के प्रति साझा प्रेम उनके सपने और रोसाई के उनके नारीपन थी जिसमें वास्तव में एक बंधन बनाया था चीनी ने वर्ष का जादू भले ही समाप्त हो गया हो लेकिन लेन और ब्योई के लिए किसी भी अतिशबाजी प्रदर्शन से भी अधिक सुंदर प्रेम कहानी अभी शुरू हुई थी गतिशील कलाकार को एक साथ लाते हैं बॉलीवुड और हांगकांग सिनेमा के बीच एक ही दूरी की हैं इस आरोप के नेतृत्व तो अक्षय कुमार कर रहे थे जो अपनी एक्शन कॉमेडी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड सुपरस्टार दिल्ली एक साधारण सब्जी काटने वाले सिद्धू सिद्धू शर्मा के ल्यू सिंह गलती से महान चीची से योद्धा सिद्धू समझ लिया था ये दोहरी भूमिका निभाते हैं दीपिका पाडुकोन ने दोहरी भूमिका के साथ अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया वो एक उत्साही भारतीय महिला सखी और एक छिपे हुए एजेंट के साथ एक ग्लैमरस चीनी महसूस मूजी माओ माओ का किरदार निभाती है दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के मौजूदगी से ये फिल्म और भी समृद्ध हो गई ये सिद्धू के पिता और स्थानीय गैंगस्टर दोनों की भूमिका निभाते हैं जो कहानी में गहराई और रहस्य का जोड़ते हैं मार्शल आर्ट दृश्यों का प्रारमिकता प्रदान करने के लिए हांगकांग सिनेमा के प्रसिद्ध गॉर्डन लियोग ने खलनायक जो कि सिद्धू का अंतिम प्रतिद्वंदी के रूप में कदम रखा है कलाकारों के रणबीर शोरी जैसे प्रतिभाशाली अभिनेता है जो सिद्धू के वफादार लेकिन कनारी सहायक चैप्सिस्ट की भूमिका निभाते हैं और रोजर युवा इंस्पेक्टर चंग कु की भूमिका निभाते हैं जो एक पुलिस अधिकारी है जो अच्छे और बुरे के बीच गोलीबारी में फंस जाता है ये तकनीक कलाकार एक्शन कॉमेडी और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अनूठा मिश्र बनाते हुए चांदनी चौक टू चाइना की यात्रों की जीवंत बनाते हैं चांदनी चौक टू चाइना ने व्यावसायिक सफलता हासिल की लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली ब्लॉक बास्टर बनने से चौकी गई फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई फिफ्टी करोड़ थी जो लगभग थर्टीन मिलियन की अमेरिकी डॉलर के है क्षेत्र विभाजन पर करीब से नजर डालने पर हम देख सकते हैं कि फिल्म भारत में घरेलू दर्शकों के साथ अधिक लोकप्रिय हुई यहां इसने शुद्ध संग्रह में ट्वेंटी करोड़ की एकत्रिका जो की थर्टी करोड़ के अनुमानिक बजट संग्रह है यह भारतीय बाजार में मामूली मजबूत प्रदर्शन का संकेत देता है वहीं विदेशी में फिल्म का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा चांदनी चौक टू चाइना भारत में बाहर फिफ्टीन पॉइंट सिक्स सेवन करोड़ के लगभग यूएसए से थ्री पॉइंट नाइन सेवन मिलियन कंपनी भी सफल रही हालांकि फिल्म में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सराहना मिली लेकिन विदेशी में ये व्यावसायिक रूप से उतरती सफल नहीं रही गर्म मार्ग पकड़ी कि सुगंध लेने की छोटे से अपार्टमेंट से घर गई जो नए साल की पूर्व संध्या के बेहद तेज हवाओं के झोंके का एक सुगंधित प्रति थी लेन एक दुबली पतली महिला जिसकी आंखों में उसकी खिड़की पर टकरी लटकी कागज की ललटे जैसी चमकदार थी उसके आटे की नाजुक जेबे लौटने की खुद को गुनगुनाया हर साल लेने चीनी तब वर्ष की पूर्व संध्या अकेले बिता दी थी, थी एक मांगलिक फर्म की ग्राफिक डिजाइन के रूप में देख देर तक काम करने उन्हें सामाजिक मेलजोल के लिए बहुत काम समय मिला रोमांस की तो बात ही छोड़िए हालांकि इस वर्ष आशा की एक किरण के अपने दिल को कारण किया है अपने लोकप्रियता रेटिंग ने हॉन्ग बाओ की ऑफ लव डाउनलोड किया था जिसका नाम छुट्टिया के दौरान पारंपरिक रूप से ऐसे से भाग्यशाली लाल लिफाफों के नाम पर रखा गया था उसके फोन पर एक सूचना आई ये तमाओ का एक संदेश था जो एक चंचल उपयोगकर्ता नाम था एक स्वादिष्ट फकीरों का संदेश देता था संगावीच लिखा नया साल मुबारक हो आपको फाइल तस्वीर तो लग रहा है जो फिर फिल्मों पर देते हुए पे की बनाने के की अपने प्यार का उल्लेख करते हुए मैपो का टाइम दिया है उनकी बातचीत सहजता से चलती रही तमाओं के बी नाम के एक आकर्षक इतिहास शिक्षक निकला जिसे चीन की सांस्कृतिक विरासत की संरक्षित करने का शौक था उन्हें में अपनी नारीता को स्वीकार किया अक्सर स्टेट नूडल्स का सहारा लेते था, इस शिकरकर्ताओं के लेने की हंसी छूट गई जिसके बाद उसे

उन्हें देखने के लिए शर्त कर दी थी जैसे ही घड़ी की घड़ी में आधी रात हुई अति व के रात में आकाश को जगमगाया दिया जिसने दुनिया पर रंगों की बिछार हो गई लेने पर उत्साह को रोकने में असमर्थ रही उसने बो की एक तस्वीर भेजी नया साल मुबारक तो हो तो भाव के उसने मैसेज किया नया साल मुबारक हो जियो लान हुआ उसका उत्तर आया उसने प्रेम के एक शब्द का उपयोग किया जिसका अर्थ था लिटिल ऑक्सीड्लासम उसके शरीर में कपकपी दौड़ गई ठंडे से नहीं बल्कि अप्रत्याशित कोमलता से अगले दिन आभासी अमृतसन का वंडर थे एवे ने ऐतिहासिक कलाकृतियों की तस्वीर साझा की उनकी सुंदरता पर जीवंत चर्चा लेने ने उसे प्राचीन मंदिरों का दौरा करते समय बताए गए रेखांचक दिखाए उनके जटिल विवरण ने उसकी प्रतिभा की एक दोपहर एक वीडियो कॉल के दौरान आपदा का आ गई पकौड़ी बनाने के उसकी की प्रदर्शित करने का प्रयास करते लेने ने गलती से उसकी कौशल ऑनलाइन कनेक्शन दिन बहरा होता गया साझा जुनून और मूल्यों की खोज करते हुए उन्होंने ऐसे रहस्य बनाए जिन्हें वे किसी और के साथ साझा करने की हिम्मत नहीं करेंगे आखिरकार मिलने की संबंध के सम्बन्ध लेने के पेट की गड्ढे में उपलब्धि हुई एक स्वादिष्ट प्रदेशा की तरह महसूस हुई आखिरकार वो दिन आ गया जब लालटेट महोत्सव नए साल के जश्न के आधिकारिक अंत का प्रतीक था वे स्वर्ग के प्रतिष्ठित मंदिर जो सुंदरता और शांति का स्थान में, में मिलने के लिए सहमत हुए जैसे ही लेने के घबराहट अपना दिपुटा ठीक किया उसने फोन पर एक सूचना आई संदेश में लिखा था कि मैं थोड़ा नारी हो सकता हूँ लेकिन मैं अपनी पसंदीदा एल जियो लनहुआ के लिए एक विशेष उपहार लाया हूँ ऐसे वो मंदिर के मैदान में दाखिल हुई उसका दिल जोरों से धड़कने लगा उसके चारों ओर चेहरे का एक समुद्र घूम उठा लालटेन उनका द्वारा छोई गई हर चीज पर मार्ग चमक रिख बही थी फिर उसके देखा भाई एक खिल हुए पेड़ के पेड़ के नीचे खड़ा था उसके होटों पर एक शनबीले मुस्कान थी उसके हाथ में उनके एक अखल उत्कृष्ट चीनी मिट्टी का फुलदान पकड़ रखा था जिसकी स्नह मौजूद पुष्प प्रदर्शन से जुड़ी हुई थी जो उसकी अपनी कलाकृति की याद दिलाती है लेन की आंखों में आंसू आ गए बिना केवल उसे उसका सपना याद था बल्कि फुलदान अपने आम

नारीपन थी जिसमें स्ववास्तव में एक बंधन बनाया गया था चीनी नव का जादू भले ही समाप्त हो गया हो लेकिन लेन और ब्योई के लिए किसी भी अतिशबाजी प्रदर्शन से भी अधिक सुंदर प्रेम कहानी अभी शुरू हुई थी गतिशील कलाकार को एक साथ लाते हैं बॉलीवुड और हांगकांग सिनेमा के बीच एक ही दूरी की हैं इस आरोप के नेतृत्व तो अक्षय कुमार कर रहे थे जो अपनी एक्शन कॉमेडी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड सुपरस्टार है वो दिल्ली एक साधारण सब्जी काटने वाले सिद्धू सिद्धू शर्मा के ल्यू सिंह से गलती से महान चीची से योद्धा सिद्धू समझ लिया था ये दोहरी भूमिका निभाते हैं दीपिका पाडुकोन ने दोहरी भूमिका के साथ अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया वो एक उत्साही भारतीय महिला सखी और एक छिपे हुए एजेंट के साथ एक ग्लैमरस चीनी महसूस मूजी माओ माओ का किरदार निभाती है दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के मौजूदगी से ये फिल्म और भी समृद्ध हो गई ये सिद्धू के पिता और स्थानीय गैंगस्टर दादा दोनों की भूमिका निभाते हैं जो कहानी में गहराई और रहस्य का जोड़ते हैं मार्शल आर्ट दृश्यों का प्रारमिकता प्रदान करने के लिए हांगकांग सिनेमा के प्रसिद्ध गॉर्डन लियोग ने खलनायक होजी जो कि सिद्धू का अंतिम प्रतिद्वंदी के रूप में कदम रखा है कलाकारों के रणबीर शोरी जैसे प्रतिभाशाली अभिनेता है जो सिद्धू के वफादार लेकिन कनारी सहायक चापसिस की भूमिका निभाते हैं और रोजर युवान इंस्पेक्टर चियांग कु की भूमिका निभाते हैं जो एक पुलिस अधिकारी है जो अच्छे और बुरे के बीच गोलीबारी में फंस जाता है ये तकनीक कलाकार एक्शन कॉमेडी और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अनूठा मिश्रण बनाते हुए चांदनी चौक टू चाइना की यात्रों की जीवंत बनाते हैं चांदनी चौक टू चाइना ने व्यावसायिक सफलता हासिल की लेकिन यह रिकॉर्ड तोड़ने वाली ब्लॉकबास्टर बनने से चौकी गई फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई फिफ्टी थ्री करोड़ थी जो लगभग थर्टीन मिलियन की अमेरिकी डॉलर के है विभाजन पर करीब से नजर डालने पर हम देख सकते हैं कि फिल्म भारत में घरेलू दर्शकों के साथ अधिक लोकप्रिय हुई यहां इसने शुद्ध संग्रह में ट्वेंटी की एकत्रिका जो कि थर्टी करोड़ के अनुमानित बजट संग्रह है यह भारतीय बाजार में मामूली मजबूत प्रदर्शन का संकेत देता है वहीं विदेशी में फिल्म का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा चांदी चौक टू चाइना भारत में बाहर फिफ्टीन पॉइंट सिक्स सेवन करोड़ के लगभग यूएसएस थ्री पॉइंट नाइन सेवन मिलियन कंपनी में सफल रही हालांकि फिल्म में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सराहना मिली लेकिन विदेशी में ये व्यावसायिक रूप से उतरती सफल नहीं रही गर्म मार्क पकड़ी कि सुगंध लेने की छोटे से अपार्टमेंट से घर गई जो नए साल की पूर्व संध्या के बेहद तेज हवाओं के झोंके का एक सुगंधित प्रति थी लेन एक दुबली पतली महिला जिसकी आंखों में उसकी खिड़की पर टकरी लटकी कागज की ललटेज जैसी चमकदार थी उसके आटे की नाजुक जेबे लौटने की खुद को गुनगुनाया हर साल लेने चीनी तब वर्ष की पूर्व संध्या अकेले बिता दी थी, थी एक मांगलिक फर्म की ग्राफिक डिजाइन के रूप में देख देर तक काम करने उन्हें सामाजिक मेलजोल के लिए बहुत काम समय मिला रोमांस की तो बात ही छोड़िए हालांकि इस वर्ष आशा की एक किरण के अपने दिल को काम किया है अपने लोकप्रियता रेटिंग हॉन्ग बाओ की ऑफ लव डाउनलोड किया था जिसका नाम छुट्टिया के दौरान पारंपरिक रूप से ऐसे से भाग्यशाली लाल लिफाफों के नाम पर रखा गया था उसके फोन पर एक सूचना आई ये तमाव का एक संदेश था जो एक चंचल उपयोगकर्ता नाम था एक स्वादिष्ट फकीरों का संदेश देता था संगावीच लिखा नया साल मुबारक हो आपको फाइल तस्वीर तो लग रहा है जो फिर नीचे पहली प्रशंसा के की बनाने के की अपने प्यार का उल्लेख करते हुए वैपोक का टाइम दिया है उनकी बातचीत सहजता से चलती रही तमाओं के बी नाम के एक इतिहास शिक्षक निकला जिसे चीन की सांस्कृतिक विरासत की संरक्षित करने का शौक था उन्हें साइन में अपनी नारीता को स्वीकार किया अक्सर स्टेट नूडल्स का सहारा लेते था, इस शिक्रकर्ताओं के लेने की हंसी छूट गई जिसके बाद उसे

उन्हें देखने के लिए शर्त कर दी थी जैसे ही घड़ी की घड़ी में आधी रात हुई अतिब शबाजी के रात में आकाश को जगमगाया दिया जिसने दुनिया पर रंगों की बिछार हो गई लेने पर उत्साह को रोकने में असमर्थ रही उसने बोर्ड की एक तस्वीर भेजी नया साल मुबारक तो हो तबाव तो के उसने मैसेज किया नया साल मुबारक हो जियो लान हुआ उसका उत्तर आया उसने प्रेम के एक शब्द का उपयोग किया जिसका अर्थ था लिटिल ऑक्सीड्लासन उसके शरीर में कपकपी दौड़ गई ठंडे से नहीं बल्कि अप्रत्याशित कमलता से अगले दिन आभासी अमृतसर का वंडर थे एवे ने ऐतिहासिक कलाकृतियों की तस्वीर साझा की उनकी सुंदरता पर जीवंत चर्चा हुई लेने ने उसे प्राचीन मंदिरों का दौरा करते समय बताए गए रेखांकियों दिखाए उनके जटिल विवरण में उसकी प्रतिभा की एक दोपहर एक वीडियो कॉल के दौरान आपदा का आ गई पकौड़ी बनाने की उसकी कौशल को प्रदर्शित करने का प्रयास करते समय लेने ने गलती से उसकी झरना एक छोटे से कर दिया शराबा स्क्रीन पर बिखरा गया हौसले लगे दुर्घटना में उनके संबंध को और मजबूत कर दिया दिन हफ्तों में बदल गए उनका ऑनलाइन कनेक्शन दिन बहरा होता गया साझा जुनून और मूल्यों की खोज करते हुए उन्होंने ऐसे रहस्य बनाए जिन्हें वे किसी और के साथ साझा करने की हिम्मत नहीं करेंगे आखिरकार मिलने की संबंध लेने के पेट की गड्ढे में उपलब्धि हुई एक स्वादिष्ट प्रदेशा की तरह महसूस हुई आखिरकार वो दिन आ गया जब लालटेर महोत्सव नए साल की की का का के जश्न के आधिकारिक अंत का प्रतीक था वे स्वर्ग के प्रतिष्ठित मंदिर जो सुंदरता और शांति का स्थान में, में मिलने के लिए सहमत हुए जैसे ही लेने के घबराहट अपना तिपुटा ठीक किया उसने पर एक सूचना आई संदेश में लिखा था कि मैं थोड़ा नारी हो सकता हूँ लेकिन मैं अपनी एल एलजीओ लनहुआ के लिए एक विशेष उपहार लाया हूँ ऐसे वो मंदिर के मैदान में दाखिल हुई उसका दिल जोरों से धड़कने लगा उसके चारों ओर चेहरे का एक समुद्र घूम उठा लालटेन उनका द्वारा छोई गई हर चीज पर मार्ग चमक रिख बही थी फिर उसके देखा भाई एक खिल हुए पेड़ के पेड़ के नीचे खड़ा था उसके होटों पर एक शनबीले मुस्कान थी उसके हाथ में उनके एक अकल और कृष्ट चीनी मिट्टी का फुलदान पकड़ रखा था जिसकी स्न मौजूद पुष्प प्रदर्शन से जुड़ी हुई थी जो उसकी अपनी कलाकृति की याद दिलाती है लेन की आंखों में आंसू आ गए बिना केवल उसे उसका सपना याद था बल्कि फुलदान अपने आम में एक उत्कृष्ट कृति थी जो उनके बीच हंसी में, में, में उत्सव की बातचीत के साथ मिली थी ऐसा लग रहा था उनके में एक नया अध्ययन खुल गया है जीवन दुनिया में उन्हें एक साथ लाया था लेकिन यह उनकी संस्कृति के प्रति साझा प्रेम उनके सपने और रोसाई के उनके नारीपन थी जिसमें स्वस्तव में एक बंधन बनाया गया था चीनी नव का जादू भले ही समाप्त हो गया हो लेकिन लेन और ब्योई के लिए किसी भी अतिशबाजी प्रदर्शन से भी अधिक सुंदर प्रेम कहानी अभी शुरू हुई थी गतिशील कलाकार को एक साथ लाते हैं बॉलीवुड और हांगकांग सिनेमा के बीच एक दूरी की हैं इस आरोप के नेतृत्व तो अक्षय कुमार कर रहे थे जो अपनी एक्शन कॉमेडी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड सुपरस्टार है दिल्ली एक साधारण सब्जी काटने वाले सिद्धू सिद्धू शर्मा के ल्यू सिंह से गलती से महान चीची से योद्धा सिद्धू समझ लिया था ये दोहरी भूमिका निभाते हैं दीपिका पाडुकोन ने दोहरी भूमिका के साथ दूस अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया वो एक उत्साही भारतीय महिला सखी और एक छिपे हुए एजेंट के साथ एक ग्लैमरस चीनी महसूस मूजी माओ माओ का किरदार निभाती है दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के मौजूदगी से ये फिल्म और भी समृद्ध हो गई ये सिद्धू के पिता और स्थानीय गैंगस्टर तारा दोनों की भूमिका निभाते हैं जो कहानी में गहराई और रहस्य का जोड़ते हैं मार्शल आर्ट दृश्यों का प्रा... प्रारमिकता को प्रदान करने के लिए हांगकांग सिनेमा के प्रसिद्ध गॉर्डन लियो ने खलनायक होजी जो कि सिद्धू का अंतिम प्रतिद्वंदी के रूप में कदम रखा है कलाकारों के रणबीर शोरी जैसे प्रतिभाशाली अभिनेता है जो सिद्धू के वफादार लेकिन कनारी सहायक चैप्सिस्ट की भूमिका निभाते हैं और रोजर युवा इंस्पेक्टर चंग कु की भूमिका निभाते हैं जो एक पुलिस अधिकारी है जो अच्छे और बुरे के बीच गोलीबारी में फंस जाता है ये तकनीक कलाकार एक्शन कॉमेडी और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अनूठा मिश्रण बनाते हुए चांदनी चौक टू चाइना की यात्रों की जीवंत बनाते हैं चांदनी चौक टू चाइना ने व्यावसायिक सफलता हासिल की लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली ब्लॉकबास्टर बनने से चौकी गई फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई फिफ्टी करोड़ थी जो लगभग थर्टीन मिलियन की अमेरिकी डॉलर के है विभाजन पर कड़ी से नजर डालने पर हम देख सकते हैं कि फिल्म भारत में घरेलू दर्शकों के साथ अधिक लोकप्रिय हुई यहां इसने शुद्ध संग्रह में करोड़ की एकत्रिका जो कि 37.77 करोड़ के अनुमानित बजट संग्रह है यह भारतीय बाजार में मामूली मजबूत प्रदर्शन का संकेत देता है वहीं विदेशी में फिल्म का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा चांदनी चौक टू चाइना भारत में बाहर फिफ्टीन पॉइंट सिक्स सेवन करोड़ के लगभग यूएसए से थ्री पॉइंट नाइन सेवन मिलियन कंपनी में सफल रही हालांकि फिल्म में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सराहना मिली लेकिन विदेशी में ये व्यावसायिक रूप से उतरती सफल नहीं रही गर्म मार्ग पकड़ी कि सुगंध लेने की छोटे से अपार्टमेंट से घर गई जो नए साल की पूर्व संध्या के बेहद तेज हवाओं के झोंके का एक सुगंधित प्रतिब्ध होती थी लेन एक दुबली पतली महिला जिसकी आंखों में उसकी खिड़की पर टकरी लटकी कागज की ललटे जैसी थी उसके आटे की नाजुक लौटने खुद को गुनगुनाया हर साल लेने चीनी तब वर्ष की पूर्व संध्या अकेले बिता दी थी, थी एक मांगलिक फर्म की ग्राफिक डिजाइन के रूप में देख देर तक काम करने उन्हें सामाजिक मेलजोल के लिए बहुत काम समय मिला रोमांस की तो बात ही छोड़िए हालांकि इस वर्ष आशा की एक किरण के अपने दिल को काम किया है अपने लोकप्रियता रेटिंग ने हॉंगबाओ की ऑफ लव डाउनलोड किया था जिसका नाम छुट्टियां के दौरान परंपरिक रूप से ऐसे से भगोशाली लाल इफाबु के नाम पर रखा गया था उसके फोन पर एक सूचना आई ये दमाओ का एक संदेश था जो एक चंचल उपयोगकर्ता नाम था एक सौदिश भक्कियों का संदेश देता था संगावीच लिखा नया साल मुबारक हो आपको प्रोफाइल तस्वीर तो लग रहा है जो फिर नीचे की हुई शाखा लेने पर लाली दौड़ गई लंबे समय से किसी पुरुष के उसे मिली पहली प्रशंसा थी उसने उसे धन्यवाद देते हुए प्रारंभिक अपने के के प्यार का उल्लेख करते हुए वैपोक का टाइम दिया है उनकी बातचीत सहजता से चलती रही तमाओं के बी नाम के एक आकर्षक इतिहास शिक्षक निकला जिसे चीन की सांस्कृतिक विरासत की संरक्षित करने का शौक था उन्हें ई में अपनी नारीता को स्वीकार किया अक्सर स्टेट नूडल्स का सहारा लेते था, इस शिक्रकर्ताओं के लेने की हंसी छूट गई जिसके बाद उसे कभी कभी पकड़ी बनाने की कला सिखाने का वादा किया है जैसे संबंध भेजते हैं शहर डिजाइन कोई कोई के के में भट्टों का दौरा करने का सपना देखा रहे हैं लेन देन की कलाकार प्रारंभिक शाई धोने का वाली पेंटिंग की नाजों को प्रशंसकों को अपनी आंखों के सामने जीवंत उन्हें देखने के लिए शर्त करती थी जैसे ही घड़ी की घड़ी में आधी रात हुई अतिब शबाजी के रात में आकाश को जगमगाया दिया जिसने दुनिया पर रंगों की बिछार हो गई लेने पर उत्साह को रोकने में असमर्थ रही उसने बो की एक तस्वीर भेजी नया साल मुबारक तो हो तबाव तो के उसने मैसेज किया नया साल मुबारक हो जियो लान हुआ उसका उत्तर आया उसने प्रेम के एक शब्द का उपयोग किया जिसका अर्थ था लिटिल ऑक्सीड्लॉसम उसके शरीर में कपकपी दौड़ गई ठंडे से नहीं बल्कि अप्रत्याशित कोमलता से अगले दिन आभासी अमेशन का भंडर थे ऐवे ने ऐतिहासिक कलाकृतियों की तस्वीर साझा की उनकी सुंदरता पर जीवंत चर्चा हुई लेने ने उसे प्राचीन मंदिरों का दौरा करते समय बताए गए रेखांकियों दिखाए उनके जटिल विवरण ने उसकी प्रतिभा की एक दोपहर एक वीडियो कॉल के दौरान आपदा का आ गई पकौड़ी बनाने की उसकी कौशल प्रदर्शित करने का प्रयास करते समय लेने ने गलती से उसकी चरना एक छोटे से कर दिया शराबा स्क्रीन पर बिखरा गया तो हौसले लगे दुर्घटना में उनके संबंध को और मजबूत कर दिया दिन हफ्तों में बदल गए उनका ऑनलाइन कनेक्शन दिल दिन बहरा होता गया साझा जुनून और मूल्यों की खोज करते हुए उन्होंने ऐसे रहस्य बनाए जिन्हें वे किसी और के साथ साझा करने की हिम्मत नहीं करेंगे आखिरकार मिलने की सम्बन्ध लेने के पेट की गड्ढे में उपलब्धि हुई एक स्वादिष्ट प्रदेशा की तरह महसूस हुई आखिरकार वो दिन आ गया जब लालटेल महोत्सव नए साल के जश्न के आधिकारिक अंत का प्रतीक था वे स्वर्ग के प्रतिष्ठित मंदिर जो सुंदरता और शांति का स्थान में, में मिलने के लिए सहमत हुए जैसे ही लेने के घबराहट अपना तिपुटा ठीक किया उसने फोन पर एक सूचना आई संदेश में लिखा था कि मैं थोड़ा नारी हो सकता हूँ लेकिन मैं अपनी पसंदीदा एल जीओ। के के लिए एक विशेष लाया ऐसे मंदिर दाखिल हुई। उसका दिल जोरों से लगा। उसके चारों ओर घूम उठा लालटेन उनका द्वारा छोई गई हर चीज पर मार्ग चमक रिख बही थी फिर उसके देखा भाई एक खिल हुए पेड़ के पेड़ के नीचे खड़ा था उसके होटो पर एक सनबीले मुस्कान थे उसके हाथ में उनके एक अकल उत्कृष्ट चीनी मिट्टी का फुलदान पकड़ रखा था जिसकी स्न मौजूद पुष्प प्रदर्शन से जुड़ी हुई थी जो उसकी अपनी कलाकृति की याद दिलाती है लेन की आंखों में आंसू आ गए बिना केवल उसे उसका सपना याद था बल्कि फुलदान अपने आम में एक उत्कृष्ट कृति थी जो उनके बीच था। उनका पहला हसीस उत्सव की बातचीत के साथ मिली थी ऐसा लग रहा था उनके जीवन में एक नया अध्ययन खुल गया है जीवन दुनिया में उन्हें एक साथ लाया था लेकिन यह उनकी संस्कृति के प्रति साझा प्रेम उनके सपने और रसाई के उनके नारीपन थी जिसमें स्व वास्तव में एक बंधन बनाया गया था चीनी नव वर्ष का जादू भले ही समाप्त हो गया हो लेकिन लेन और प्योगी के लिए किसी भी अतिशबाजी प्रदर्शन से भी अधिक सुंदर प्रेम कहानी अभी शुरू हुई थी गतिशील कलाकार को एक साथ लाते हैं बॉलीवुड और हांगकॉन्ग सिनेमा के बीच एक ही दूरी की हैं इस आरोप के नेतृत्व तो अक्षय कुमार कर रहे थे जो अपनी एक्शन कॉमेडी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड सुपरस्टार है वो दिल्ली एक साधारण सब्जी काटने वाले सिद्धू सिद्धू शर्मा के ल्यू सिंह से गलती से महान चीची से योद्धा सिद्धू समझ लिया था ये दोहरी भूमिका निभाते हैं दीपिका पाडुकोन ने दोहरी भूमिका के साथ अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन ग्रहण वो एक उत्साही भारतीय महिला सखी और एक छिपे हुए एजेंट के साथ एक ग्लैमरस चीनी महसूस मूजी माओ माओ का किरदार निभाती है दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के मौजूदगी से ये फिल्म और भी समृद्ध हो गई ये सिद्धू के पिता और स्थानीय गैंगस्टर दोनों की भूमिका निभाते हैं जो कहानी में गहराई और रहस्य का जोड़ते हैं मार्शल आर्ट दृश्यों का प्रारमिकता प्रदान करने के लिए हांगकांग सिनेमा के प्रसिद्ध गॉर्डन लियो ने खलनायक होजी जो कि सिद्धू का अंतिम प्रतिद्वंदी के रूप में कदम रखा है कलाकारों के रणबीर शोरी जैसे प्रतिभाशाली अभिनेता है जो सिद्धू के वफादार लेकिन कनारी सहायक चैप्सिस्ट की भूमिका निभाते हैं और रोजर युवा इंस्पेक्टर चंग कु कुम्बन की भूमिका निभाते हैं जो एक पुलिस अधिकारी है जो अच्छे और बुरे के बीच गोलीबारी में फंस जाता है यह तकनीक कलाकार एक्शन कॉमेडी और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अनूठा मिश्रण बनाते हुए चांदनी चौक टू चाइना की यात्रों की जीवंत बनाते हैं चांदनी चौक टू चाइना ने व्यावसायिक सफलता हासिल की लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली ब्लॉक बनने से चौकी गई फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई फिफ्टी करोड़ थी जो लगभग थर्टीन मिलियन की अमेरिकी डॉलर के है विभाजन पर करीब से नजर डालने पर हम देख सकते हैं कि फिल्म भारत में घरेलू दर्शकों के साथ अधिक लोकप्रिय हुई यहां शुद्ध संग्रह में करोड़ की जो कि सेवन करोड़ के अनुमानित बजट संग्रह है यह भारतीय बाजार में मामूली मजबूत प्रदर्शन का संकेत देता है वहीं विदेशी में फिल्म का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा चांदनी चौक टू चाइना भारत में बाहर फिफ्टीन पॉइंट सिक्स सेवन करोड़ के लगभग यूएसएस थ्री पॉइंट नाइन सेवन मिलियन कंपनी भी सफल रही हालांकि फिल्म में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सराहना मिली लेकिन विदेशी में ये व्यावसायिक रूप से उतरती सफल नहीं रही गर्म मार्ग पकड़ी सुगंध लेने की छोटे से अपार्टमेंट से घर गई जो नए साल की पूर्व संध्या बेहद तेज हवाओं के झोंके का एक सुगंधित प्रतिब्ध होती थी लेन एक दुबली पतली महिला जिसकी आंखों में उसकी खिड़की पर टकरी लटकी कागज की ललटेज जैसी चमकदार थी उसके आटे की नाजुक जेबें गुनगुनाया हर साल लेने चीनी तब वर्ष की पूर्व संध्या अकेले बिता दी थी, थी एक मांगलिक फर्म की ग्राफिक डिजाइन के रूप में देख देर तक काम करने उन्हें सामाजिक मेलजोल के लिए बहुत काम समय मिला रोमांस की तो बात ही छोड़िए हालांकि इस वर्ष आशा के किरण के अपने दिल को काम किया है अपने लोकप्रियता की ऑफ लव डाउनलोड किया था जिसका नाम छुट्टिया के दौरान प्रारंभिक रूप से ऐसे से भागोशाली लाल लिफाबू के नाम पर रखा गया था उसके फोन पर एक सूचना आई ये

के भी नाम के एक इतिहास शिक्षक निकला जिसे चीन की सांस्कृतिक विरासत की संरक्षित करने का शौक था उन्हें ऊसाइल में अपनी नारीता को स्वीकार किया अक्सर स्टेट नूडल्स का सहारा लेते था। इस शिक्रकर्ताओं के लेने की हंसी छूट गई जिसके बाद उसे कभी कभी पकड़ी बनाने की कला सिखाने का वादा किया है जैसे संबंध भेजते हैं, उसने साझा डिजाइन कोई कोई के के में भट्टों के के का दौरा करने का सपना देखा रहे लेन देन की कलाकार प्रारंभिक शाई धोने का वाली पेंटिंग की नाजों को प्रशंसकों को अपनी आंखों के सामने जीवंत उन्हें देखने के लिए शरत कर थी जैसे ही घड़ी की घड़ी में आधी रात हुई अति व शबाजी के रात में आकाश को जगमगाया दिया जिसने दुनिया पर रंगों की बिछार हो गई लेने पर उत्साह को रोकने में असमर्थ रही उसने बो की एक तस्वीर भेजी नया साल मुबारक तो हो तबाव तो के उसने मैसेज किया नया साल मुबारक हो जियो लान हुआ उसका उत्तर आया उसने प्रेम के एक शब्द का उपयोग किया जिसका अर्थ था लिटिल ऑक्सीड उसके शरीर में कपकपी दौड़ गई ठंडे से नहीं बल्कि अप्रत्याशित कोमलता से अगले दिन आभासी अमेशन का वंडर थे एवे ने ऐतिहासिक कलाकृतियों की तस्वीर साझा की उनकी सुंदरता पर जीवंत चर्चा हो लेने ने उसे प्राचीन मंदिरों का दौरा करते समय बताए गए रेखांकियों दिखाए उनके जटिल विवरण ने उसकी प्रतिभा की एक दोपहर एक वीडियो कॉल के दौरान आपदा का आ गई पकौड़ी बनाने की उसकी कौशल प्रदर्शित करने का प्रयास करते समय लेने ने गलती से उसकी से उसकी एक छोटे कर दिया शराबा बिखरा गया उससे तो हौसले लगे दुर्घटना में उनके संबंध को और मजबूत कर दिया दिन हफ्तों में बदल गए उनका ऑनलाइन कनेक्शन दिन बहरा होता गया साझा जुनून और मूल्यों की खोज करते हुए उन्होंने ऐसे रहस्य बनाए जिन्हें वे किसी और के साथ साझा करने की हिम्मत नहीं करेंगे आखिरकार मिलने की के संबंध लेने के पेट की गड्ढे में उपलब्धि हुई एक स्वादिष्ट प्रदेशा की तरह महसूस हुई आखिरकार वह दिन आ गया जब लालटेत महोत्सव नए साल की की का का के जश्न के आधिकारिक अंत का प्रतीक था वे स्वर्ग के प्रतिष्ठित मंदिर जो सुंदरता और शांति का स्थान में, में मिलने के लिए सहमत हुए जैसे ही लेने के कबराहट अपना दिपुटा ठीक किया उसने फोन पर एक सूचना आई संदेश में लिखा था कि मैं थोड़ा नारी हो सकता हूँ लेकिन मैं अपनी संदीदा एल जियो लनहुआ के लिए एक विशेष उपहार लाया हूँ ऐसे वो मंदिर के दो मैदान में दाखिल हुई उसका दिल जोरों से धड़कने लगा उसके चारों ओर चेहरे का एक समुद्र घूम उठा लालटेन उनका द्वारा छोई गई हर चीज पर मार्ग चमक रिख बही थी फिर उसके देखा भाई एक खिल हुए पेड़ के पेड़ के नीचे खड़ा था उसके होटों पर एक शर्मीले मुस्कान थे उसके हाथ में उनके एक अकल उत्कृष्ट चीनी मिट्टी का फुलदान पकड़ रखा था जिसकी स्न मजबूत पुष्प प्रदर्शन से जुड़ी हुई थी जो उसकी अपनी कलाकृति की याद दिलाती है लेन की आंखों में आंसू आ गए बिना केवल उसे उसका सपना याद था बल्कि फुलदान अपने आम

नारीपन थी जिसमें वास्तव में एक बंधन बनाया गया था चीनी नव वर्ष का जादू भले ही समाप्त हो गया हो लेकिन लेन और प्य के लिए किसी भी अतिशबाजी प्रदर्शन से भी अधिक सुंदर प्रेम कहानी अभी शुरू हुई थी गतिशील कलाकार को एक साथ लाते हैं बॉलीवुड और हांगकॉन्ग सिनेमा के बीच एक ही दूरी की हैं इस आरोप के नेतृत्व तो अक्षय कुमार कर रहे थे जो अपनी एक्शन कॉमेडी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड सुपरस्टार दिल्ली एक साधारण सब्जी काटने वाले सिद्धू सिद्धू शर्मा के भी ल्यू सिंह से गलती से महान चीची से योद्धा सिद्धू समझ लिया था ये दोहरी भूमिका निभाते हैं दीपिका पाडुकोन ने दोहरी भूमिका के साथ अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन वह एक उत्साही भारतीय महिला सखी और एक छिपे हुए एजेंट के साथ एक ग्लैमरस चीनी महसूस मुझी माओ माओ का किरदार निभाती है दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के मौजूदगी से ये फिल्म और भी समृद्ध हो गई ये सिद्धू के पिता और स्थानीय गैंगस्टर तारा दोनों की भूमिका निभाते हैं जो कहानी में गहराई और रहस्य का जोड़ते हैं मार्शल आर्ट दृश्यों का प्रा... प्रारमिकता प्रदान करने के लिए हांगकांग सिनेमा के प्रसिद्ध गॉर्डन लियो ने खलनायक होजी जो कि सिद्धू का अंतिम प्रतिद्वंदी के रूप में कदम रखा है कलाकारों के रणबीर शोरी जैसे प्रतिभाशाली अभिनेता है जो सिद्धू के वफादार लेकिन कनारी सहायक चैप्सिस्ट की भूमिका निभाते हैं और रोजर युवा इंस्पेक्टर चंग कु की भूमिका निभाते हैं जो एक पुलिस अधिकारी है जो अच्छे और बुरे के बीच गोलीबारी में फंस जाता है ये कलाकार एक्शन कॉमेडी और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अनूठा मिश्रण बनाते हुए चांदनी चौक टू चाइना के यात्रों की जीवंत बनाते हैं चांदनी चौक टू चाइना ने व्यावसायिक सफलता हासिल की लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली ब्लॉक बनने से चौकी गई फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई फिफ्टी करोड़ थी जो लगभग थर्टीन मिलियन की अमेरिकी डॉलर के है विभाजन पर से नजर डालने पर हम देख सकते हैं कि फिल्म भारत में घरेलू दर्शकों के साथ अधिक लोकप्रिय हुई यहां संग्रह में करोड़ की एकत्रिका जो कि छत्तीसवन करोड़ के अनुमानित बजट संग्रह है यह भारतीय बाजार में मामूली मजबूत प्रदर्शन का संकेत देता है वहीं विदेशी में फिल्म का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा चांदी चौक टू चाइना भारत में बाहर फिफ्टीन पॉइंट सिक्स सेवन करोड़ के लगभग यूएसए से थ्री पॉइंट नाइन सेवन मिलियन कंपनी सफल रही हालांकि फिल्म में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सराहना मिली लेकिन विदेशी में ये व्यावसायिक रूप से उतरती सफल नहीं रही गर्म मार्ग पकड़ी की सुगंध लेने छोटे से अपार्टमेंट से घर गई जो नए साल की पूर्वसंध्या के बेहद तेज हवाओं के झोंके का एक सुगंधित प्रति थी लेन एक दुबली पतली महिला जिसकी आंखों में उसकी खिड़की पर टकरी लटकी कागज की ललटे जैसी चमकदार थी उसके आटे की नाजुक लौटने की खुद को गुनगुनाया हर साल लेने चीनी तब वर्ष की पूर्व संध्या अकेले बिता दी थी, थी एक मांगलिक फर्म की ग्राफिक डिजाइन के रूप में देख देर तक काम करने उन्हें सामाजिक मेलजोल के लिए बहुत काम समय मिला रोमांस की तो बात ही छोड़िए हालांकि इस वर्ष आशा के किरण के अपने दिल को काम किया है अपने लोकप्रियता रेटिंग ने बाओ की ऑफ लव डाउनलोड किया था जिसका नाम छुट्टिया के दौरान पारंपरिक रूप से ऐसे से भाग्यशाली लाल लिफाफों के नाम पर रखा गया था उसके फोन पर एक सूचना आई ये तमाओ का एक संदेश था जो एक चंचल उपयोगकर्ता नाम था एक स्वादिष्ट फकीरों का संदेश देता था संगावीच लिखा नया साल मुबारक हो आपको फाइल तो समय से किसी के मिली पहली थी। उसने देते हुए। के बनाने के अपने प्यार का उल्लेख करते हुए मैपो का टाइम दिया है उनकी बातचीत सहजता से चलती रही तमाओ के बी नाम के एक इतिहास शिक्षक निकला जिसे चीन की सांस्कृतिक विरासत की संरक्षित करने का शौक था उन्हें में अपनी नारीता को स्वीकार किया अक्सर स्टेड नूडल्स का सहारा लेते था, इस स्वीकारकर्ताओं के लेने की हंसी छूट गई जिसके बाद उसे हम कभी कभी पकड़ी बनाने की कला सिखाने का वादा किया है जैसे संबंध भेजते हैं शहर डिजाइन कोई कोई के के में भट्टों का दौरा करने का सपना देखा रहे हैं लेन देन की कलाकार प्रारंभिक शाई धोने का वाली पेंटिंग की नाजों को प्रशंसकों को अपनी आंखों के सामने जीवंत उन्हें देखने के लिए शरत कर दी थी जैसे ही घड़ी की घड़ी में आधी रात हुई अतिबाजी के रात में आकाश को जगमगाया दिया जिसने दुनिया पर रंगों की बिछाड़ हो गई लेने पर उत्साह को रोकने में असमर्थ रही उसने बो की एक तस्वीर भेजी नया साल मुबारक तो हो तबाव तो के उसने मैसेज किया नया साल मुबारक हो जियो लान हुआ उसका उत्तर आया उसने प्रेम के एक शब्द का उपयोग किया जिसका अर्थ था लिटिल ऑक्सीड्लासम उसके शरीर में कपकपी दौड़ गई ठंडे से नहीं बल्कि अप्रत्याशित कोमलता से अगले दिन आभासी अमृतसर का भंडर थे एवे ने ऐतिहासिक कलाकृतियों की तस्वीर साझा की उनकी सुंदरता पर जीवंत चर्चा लेने ने उसे प्राचीन मंदिरों का दौरा करते समय बताए गए रेखांकियों दिखाए उनके जटिल विवरण ने उसकी प्रतिभा की एक दोपहर एक वीडियो कॉल के दौरान आपदा का आ गई पकौड़ी बनाने की उसकी कौशल के प्रदर्शित करने का प्रयास करते समय लेने ने गलती से से उसकी एक छोटे से कर दिया पर बिखरा गया हौसले लगे दुर्घटना में उनके संबंध को और मजबूत कर दिया दिन हफ्तों में बदल गए उनका ऑनलाइन कनेक्शन दिल दिन बहरा होता गया साझा जुनून और मूल्यों की खोज करते हुए उन्होंने ऐसे रहस्य बनाए जिन्हें वे किसी और के साथ साझा करने की हिम्मत नहीं करेंगे आखिरकार मिलने की संबंध लेने के पेट की गड्ढे में उपलब्धि हुई एक स्वादिष्ट प्रदेशा की तरह महसूस हुई आखिरकार वह दिन आ गया जब लालटेत महोत्सव नए साल के जश्न के आधिकारिक अंत का प्रतीक था वे स्वर्ग के प्रतिष्ठित मंदिर जो सुंदरता और शांति का स्थान में में मिलने के लिए सहमत हुए जैसे ही लेने के कबराहट अपना दुपट्टा ठीक किया उसने फोन पर एक सूचना आई संदेश में लिखा था कि मैं थोड़ा अनाड़ी हो सकता हूँ लेकिन मैं अपनी सदीदा एल जियो लनहुआ के लिए एक विशेष उपहार लाया हूँ ऐसे वो मंदिर के मैदान में दाखिल हुई उसका दिल जोरों से धड़कने लगा उसके चारों ओर चेहरे का एक समुद्र घूम उठा लालटेन उनका द्वारा छोई गई हर चीज पर मार्ग चमक रिख बही थी फिर उसके देखा भाई एक खिल हुए पेड़ के पेड़ के नीचे खड़ा था उसके होटों पर एक शनबीले मुस्कान थे उसके हाथ में उनके एक अकल उत्कृष्ट चीनी मिट्टी का फुलदान पकड़ रखा था जिसकी स्न मजबूत पुष्प प्रदर्शन से जुड़ी हुई थी जो उसकी अपनी कलाकृति की याद दिलाती है लेन की आंखों में आंसू आ गए न केवल उसे उसका सपना याद था बल्कि फुलदान अपने आम में एक उत्कृष्ट कृति थी जो उनके बीच साझा संबंधों में, में, में की बातचीत के साथ मिली थी ऐसा लग रहा था उनके में एक नया अध्ययन खुल गया है जीवन दुनिया में उन्हें एक साथ लाया था लेकिन यह उनकी संस्कृति के प्रति साझा प्रेम उनके सपने और रोसाई के उनके नारीपन थी जिसमें स्वस्तव में एक बंधन बना गया था चीनी ने वर्ष का जादू भले ही समाप्त हो गया हो लेकिन लेन और बोई के लिए किसी भी अतिशाबाजी प्रदर्शन से भी अधिक सुंदर प्रेम कहानी अभी शुरू हुई थी गतिशील कलाकार को एक साथ लाते हैं बॉलीवुड और हांगकॉन्ग सिनेमा के बीच एक ही दूरी की बांटते हैं इस आरोप के नेतृत्व तो अक्षय कुमार कर रहे थे जो अपनी एक्शन कॉमेडी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड सुपर स्टार्ली एक साधारण सब्जी काटने वाले सिद्धू सिद्धू शर्मा के भी ल्यू सिंह से गलती से महान चीची से योद्धा सिद्धू समझ लिया था ये दोहरी भूमिका निभाते हैं दीपिका पाडुकोन ने दोहरी भूमिका के साथ अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया वो एक उत्साही भारतीय महिला सखी और एक छिपे हुए एजेंट के साथ एक ग्लैमरस चीनी महसूस मुझी माओ माओ का किरदार निभाती है दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के मौजूदगी से ये फिल्म और भी समृद्ध हो गई ये सिद्धू के पिता और स्थानीय गैंगस्टर तारा दोनों की भूमिका निभाते हैं जो कहानी में गहराई और रहस्य का जोड़ते हैं मार्शल आर्ट दृश्यों का प्रारमिकता प्रदान करने के लिए हांगकांग सिनेमा के प्रसिद्ध गॉर्डन लियो ने खलनायक होजी जो कि सिद्धू का अंतिम प्रतिद्वंदी के रूप में कदम रखा है कलाकारों के रणबीर शोरी जैसे प्रतिभाशाली अभिनेता है जो सिद्धू के वफादार लेकिन कनारी सहायक चॉपिस की भूमिका निभाते हैं और रोजर युवाओं इंस्पेक्टर चंग कु की भूमिका निभाते हैं जो एक पुलिस अधिकारी है जो अच्छे और बुरे के बीच गोलीबारी में फंस जाता है यह तकनीक कलाकार एक्शन कॉमेडी और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अनूठा मिश्रण बनाते हुए चांदनी चौक टू चाइना के यात्रों की जीवंत बनाते हैं चांदनी चौक टू चाइना ने व्यावसायिक सफलता हासिल की लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली ब्लॉक बनने से चौकी गई फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई फिफ्टी करोड़ थी जो लगभग थर्टीन मिलियन की अमेरिकी डॉलर के बराबर है क्षेत्रीय विभाजन पर करीब से नजर डालने पर हम देख सकते हैं कि फिल्म भारत में घरेलू दर्शकों के साथ अधिक लोकप्रिय हुई यहां इसने शुद्ध संग्रह में 29.46 करोड़ की यकतरिका जो कि 37.77 करोड़ के अनुमानिक बजट संग्रह है ये भारतीय बाजार में मामूली मजबूत प्रदर्शन का संकेत देता है वहीं विदेशी में फिल्म का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा चांदनी चौक टू चाइना भारत में बाहर फिफ्टीन करोड़ के लगभग यूएसए से मिलियन कंपनी भी सफल रही हालांकि फिल्म में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सराहना मिली लेकिन विदेशी में ये व्यावसायिक रूप से उतरती सफल नहीं रही गर्म मार्ग पकड़ी कि सुगंध लेने की छोटे से अपार्टमेंट से घर गई जो नए साल की पूर्व संध्या के बेहद तेज हवाओं के झोंके का एक सुगंधित प्रति थी लेन एक दुबली पतली महिला जिसकी आंखों में उसकी खिड़की पर टकरी लटकी कागज की ललटेज जैसी चमकदार थी उसके आटे की की नाजुक लौटने खुद को गुनगुनाया हर साल लेने चीनी तब वर्ष पूर्व संध्या अकेले बिता दी थी, थी एक मांगलिक फर्म की ग्राफिक डिजाइन के रूप में देख। देर तक काम करने उन्हें सामाजिक मेलजोल के लिए बहुत काम समय मिला रोमांस की तो बात ही छोड़िए हालांकि इस वर्ष आशा के किरण के अपने दिल को काम किया है अपने लोकप्रियता रेटिंग हॉन्ग बाओ की ऑफ लव डाउनलोड किया था जिसका नाम छुट्टिया के दौरान पारंपरिक रूप से ऐसे से भाग्यशाली लाल लिफाफों के नाम पर रखा गया था उसके फोन पर एक सूचना आई ये तमाओ का एक संदेश था जो एक चंचल उपयोगकर्ता नाम था एक स्वादिष्ट फकीरों का संदेश देता था संगावीच लिखा नया साल मुबारक हो आपको तस्वीर लग रहा है जो फिर, फिर नीचे के, के, के की की अपने प्यार का उल्लेख करते हुए वैपोक का टाइम दिया है उनकी बातचीत सहजता से चलती रही तमाओ के बी नाम के एक इतिहास शिक्षक निकला जिसे चीन की सांस्कृतिक विरासत की संरक्षित करने का शौक था उन्हें में अपनी नारीता को स्वीकार किया अक्सर स्टेड नूडल्स का सहारा लेते था इस शिकरकर्ताओं के लेने की हंसी छूट गई जिसके बाद उसे हम कभी कभी पकड़ी बनाने की कला सिखाने का वादा किया है जैसे ही संबंध भेजते हैं उसने साझा करते कंटों के तीट गए कोई भी कोई न प्राचीन मिट्टी के बर्तनों के प्रति अपने प्रेम के बारे में बात की जो अपने उत्कृष्ट चीनी मिट्टी के बर्तन के प्रसिद्ध शहर डिजाइन में भट्टों का दौरा करने का सपना देखा रहे लेन देन की कलाकार प्रारंभिक शाई धोने का वाली पेंटिंग की नाजों को प्रशंसकों को अपनी आंखों के सामने जीवंत उन्हें देखने के लिए शरत कर दी थी जैसे ही घड़ी की घड़ी में आधी रात हुई अतिबाजी के रात में आकाश को जगमगाया दिया जिसने दुनिया पर रंगों की बिछाड़ हो गई लेने पर उत्साह को रोकने में असमर्थ रही उसने बो की एक तस्वीर भेजी नया साल मुबारक तो हो तबाह तो के उसने मैसेज किया नया साल मुबारक हो जियो लान हुआ उसका उत्तर आया उसने प्रेम के एक शब्द का उपयोग किया जिसका अर्थ था लिटिल ऑक्सीट्लॉसम उसके शरीर में कपकपी दौड़ गई ठंडे से नहीं बल्कि अप्रत्याशित कमलता से अगले दिन आभासी अमेरसन का भंडर थे एवे ने ऐतिहासिक कलाकृतियों की तस्वीर साझा की उनकी सुंदरता पर जीवंत चर्चा लेने ने उसे प्राचीन मंदिरों का दौरा करते समय बताए गए रेखांकियों दिखाए उनके जटिल विवरण ने उसकी प्रतिभा की एक दोपहर एक वीडियो कॉल के दौरान आपदा का आ गई पकौड़ी बनाने की उसकी कौशल प्रदर्शित करने का प्रयास करते समय लेने ने गलती से से उसकी एक छोटे से कर दिया पर बिखरा गया हौसले लगे दुर्घटना में उनके संबंध को और मजबूत कर दिया दिन हफ्तों में बदल गए उनका ऑनलाइन कनेक्शन दिन बहरा होता गया साझा जुनून और मूल्यों की खोज करते हुए उन्होंने ऐसे रहस्य बनाए जिन्हें वे किसी और के साथ साझा करने की हिम्मत नहीं करेंगे आखिरकार मिलने के संबंध लेने के पेट की गड्ढे में उपलब्धि हुई एक स्वादिष्ट प्रदेशा की तरह महसूस हुई आखिरकार वह दिन आ गया जब लालटेत महोत्सव नए साल की की का का के जश्न के आधिकारिक अंत का प्रतीक था वे स्वर्ग के प्रतिष्ठित मंदिर जो सुंदरता और शांति का स्थान में में मिलने के लिए सहमत हुए जैसे ही लेने के कबराहट अपना दिपुटा ठीक किया उसने फोन पर एक सूचना आई संदेश में लिखा था कि मैं थोड़ा नारी हो सकता हूँ लेकिन मैं अपनी पसंदीदा एल जियो लनहुआ के लिए एक विशेष उपहार लाया हूँ ऐसे वो मंदिर के मैदान में दाखिल हुई उसका दिल जोरों से धड़कने लगा उसके चारों ओर चेहरे का एक समुद्र घूम उठा लालटेन उनका द्वारा छोई गई हर चीज पर मार्ग चमक रिख बही थी फिर उसके देखा भाई एक खिल हुए पेड़ के पेड़ के नीचे खड़ा था उसके होटों पर एक शर्मीले मुस्कान थी उसके हाथ में उनके एक अखल उत्कृष्ट चीनी मिट्टी का फुलदान पकड़ रखा था जिसकी स्नह मौजूद पुष्प प्रदर्शन से जुड़ी हुई थी जो उसकी अपनी कलाकृति की याद दिलाती है लेन की आंखों में आंसू आ गए बिना केवल उसे उसका सपना याद था बल्कि फुलदान अपने आम

नारीपन थी जिसमें वास्तव में एक बंधन बनाया गया था चीनी नव वर्ष का जादू भले ही समाप्त हो गया हो लेकिन लेन और ब्य के लिए किसी भी अतिशबाजी प्रदर्शन से भी अधिक सुंदर प्रेम कहानी अभी शुरू हुई थी गतिशील कलाकार को एक साथ लाते हैं बॉलीवुड और हांगकॉन्ग सिनेमा के बीच एक ही दूरी की हैं इस आरोप नेतृत्व तो अक्षय कुमार कर रहे थे जो अपनी एक्शन कॉमेडी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड सुपरस्टार दिल्ली एक साधारण सब्जी काटने वाले सिद्धू सिद्धू सिनेमा के भी ल्यू सिंह गलती से महान चीची से योद्धा सिद्धू समझ लिया था ये दोहरी भूमिका निभाते हैं दीपिका पाडुकोन ने दोहरी भूमिका के साथ अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया वो एक उत्साही भारतीय महिला सखी और एक छिपे हुए एजेंट के साथ एक ग्लैमरस चीनी महसूस मुझी माओ माओ का किरदार निभाती है दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के मौजूदगी से ये फिल्म और भी समृद्ध हो गई ये सिद्धू के पिता और स्थानीय गैंगस्टर दोनों की भूमिका निभाते हैं जो कहानी में गहराई और रहस्य का जोड़ते हैं मार्शल आर्ट दृश्यों का प्रारमिकता प्रदान करने के लिए हांगकांग सिनेमा के प्रसिद्ध गॉर्डन लियो ने खलनायक होजी जो कि सिद्धू का अंतिम प्रतिद्वंदी के रूप में कदम रखा है कलाकारों के रणबीर शोरी जैसे प्रतिभाशाली रहता है जो सिद्धू के लेकिन कनाडी सहायक चापसिस्ट की भूमिका निभाते हैं और रोजर युवा इंस्पेक्टर चंग कम्बन की भूमिका निभाते हैं जो एक पुलिस अधिकारी है जो अच्छे और बुरे के बीच गोलीबारी में फंस जाता है ये कलाकार एक्शन कॉमेडी और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अनूठा मिश्रण बनाते हुए चांदनी चौक टू चाइना की यात्रों की जीवंत बनाते हैं चांदनी चौक टू चाइना ने व्यावसायिक सफलता हासिल की लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली ब्लॉक बनने से चूक गई फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई फिफ्टी करोड़ थी जो लगभग थर्टीन पॉइंट फोर फोर मिलियन की अमेरिकी डॉलर के बराबर है क्षेत्रीय विभाजन पर करीब से नजर डालने पर हम देख सकते हैं कि फिल्म भारत में घरेलू दर्शकों के साथ अधिक लोकप्रिय हुई यहां इसने शुद्ध संग्रह में 29.46 करोड़ की यकतरिका जो कि 37.77 करोड़ के अनुमानिक प्रोजल संग्रह है ये भारतीय बाजार में मामूली मजबूत प्रदर्शन का संकेत देता है वहीं विदेशी में फिल्म का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा चांदनी चौक टू चाइना भारत में बाहर फिफ्टीन पॉइंट सिक्स सेवन करोड़ के लगभग यूएसए से थ्री पॉइंट नाइन सेवन मिलियन कंपनी में सफल रही हालांकि फिल्म में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सराहना मिली लेकिन विदेशी में ये व्यावसायिक रूप से उतरती सफल नहीं रही गर्म मार्क पकड़ी की सुगंध लेने छोटे से अपार्टमेंट से घर गई जो नए साल की पूर्व संध्या के बेहद तेज हवाओं के झोंके का एक सुगंधित प्रति थी लेन एक दुबली पतली महिला जिसकी आंखों में उसकी खिड़की पर टकरी लटकी कागज की ललटे जैसी चमकदार थी उसके आटे की की नाजुक लौटने खुद को गुनगुनाया हर साल लेने चीनी तब वर्ष की पूर्व संध्या अकेले बिता दी थी, थी एक मांगलिक फर्म की ग्राफिक डिजाइन के रूप में देख देर तक काम करने उन्हें सामाजिक मेलजोल के लिए बहुत काम समय मिला रोमांस की तो बात ही छोड़िए हालांकि इस वर्ष आशा की एक किरण के अपने दिल को कार्य किया है अपने लोकप्रियता रेटिंग इन हे बाओ की ऑफ़ लव डाउनलोड किया था जिसका नाम छुट्टियां के दौरान प्रंग्विंग के रूप से ऐसे से भागोशाली लाल ये के नाम पर रखा गया था उसके फोन पर एक सूचना आई ये तमाओ का एक संदेश था जो एक चंचल उपयोगकर्ता नाम था एक स्वादिष्ट फकीरा का संदेश देता था संगावीच लिखा नया साल मुबारक हो आपको फाइल तस्वीर तो लग रहा है जो फिर प्रशंसा की बनाने के अपने प्यार का उल्लेख करते हुए व्यापों का टाइम दिया है उनकी बातचीत सहजता से चलती रही तमाओ के बी नाम के एक इतिहास शिक्षक निकला जिसे चीन की सांस्कृतिक विरासत की संरक्षित करने का शौक था उन्हें साई में अपनी नारीता को स्वीकार किया अक्सर स्टेट नूडल्स का सहारा लेते था, इस शिक्रकर्ताओं के लेने की हंसी छूट गई जिसके बाद उसे कभी कभी पकड़ी बनाने की कला सिखाने का वादा किया है जैसे ही संबंध भेजते हैं उसने साझा करते कंटों के कोई कोई भी शहर कोई डिजाइन के के में भट्टों का दौरा करने का सपना देखा रहे लेन देन की कलाकार प्रारंभिक शाई धोने का वाली पेंटिंग के नाजों को प्रशंसकों को अपनी आंखों के सामने जीवंत उन्होंने देखने के लिए शर्त रहती थी जैसे ही घड़ी की घड़ी में आधी रात हुई अति बी के रात में आकाश को जगमगाया दिया जिसने दुनिया पर रंगों की बिछाड़ हो गई लेने पर उत्साह को रोकने में असमर्थ रही उसने बो की एक तस्वीर भेजी नया साल मुबारक तो हो तो भाव के उसने मैसेज किया नया साल मुबारक हो जियो लान हुआ उसका उत्तर आया उसने प्रेम के एक शब्द का उपयोग किया जिसका अर्थ था लिटिल ऑक्सीड्लासम उसके शरीर में कपकपी दौड़ गई ठंडे से नहीं बल्कि अप्रत्याशित कोमलता से अगले दिन आभासी अमेशन का भंडर थे एवे ने ऐतिहासिक कलाकृतियों की तस्वीर साझा की उनकी सुंदरता पर जीवंत चर्चा हुई लेने ने उसे प्राचीन मंदिरों का दौरा करते समय बताए गए रेखांकियों दिखाए उनके जटिल विवरण ने उसकी प्रतिभा की एक दोपहर एक वीडियो कॉल के दौरान आपदा का आ गई पकौड़ी बनाने की उसकी कौशल प्रदर्शित करने का प्रयास करते समय कर दुर्घटना में बदल गए उनका ऑनलाइन कनेक्शन दिन बहरा होता गया साझा जुनून और मूल्यों की खोज करते हुए उन्होंने ऐसे रहस्य बनाए जिन्हें वे किसी और के साथ साझा करने की हिम्मत नहीं करेंगे आखिरकार मिलने के संबंध लेने के पेट की गड्ढे में उपलब्धि हुई एक स्वादिष्ट प्रदेशा की तरह महसूस हुई आखिरकार बहुत दिन आ गया जब लालटेट महोत्सव नए साल की की अधिकारी का का के जश्न के आधिकारिक अंत का प्रतीक था वे स्वर्ग के प्रतिष्ठित मंदिर जो सुंदरता और शांति का स्थान में, में मिलने के लिए सहमत हुए जैसे ही लेने के कबराहट अपना दिपुटा ठीक किया उसने फोन पर एक सूचना आई संदेश में लिखा था कि मैं थोड़ा नारी हो सकता हूँ लेकिन मैं अपनी पसंदीदा एल जियो के लिए एक विशेष उपहार लाया हूँ ऐसे वो मंदिर के मैदान में दाखिल हुई उसका दिल जोरों से धड़कने लगा उसके चारों ओर चेहरे का एक समुद्र घूम उठा लालटेन उनका द्वारा छोई गई हर चीज पर मार्ग चमक रिख बही थी फिर उसके देखा भाई एक खिल हुए पेड़ के पेड़ के नीचे खड़ा था उसके होटों पर एक शर्मीले मुस्कान थे उसके हाथ में उनके एक अकल और कृष्ट चीनी मिट्टी का फुलदान पकड़ रखा था जिसकी स्नह मौजूद पुष्प प्रदर्शन से जुड़ी हुई थी जो उसकी अपनी कलाकृति की याद दिलाती है लेन की आंखों में आंसू आ गए बिना केवल उसे उसका सपना याद था बल्कि फुलदान अपने आम में एक उत्कृष्ट कृति थी जो उनके बीच हंसी में, में, में उत्सव की बातचीत के साथ मिली थी ऐसा लग रहा था उनके जीवन में एक नया अध्ययन खुल गया है जीवन दुनिया में उन्हें एक साथ लाया था लेकिन यह उनकी संस्कृति के प्रति साझा प्रेम उनके सपने और रोसाई के उनके नारीपन थी जिसमें स्ववास्तव में एक बंधन बनाया गया था चीनी नव वर्ष का जादू भले ही समाप्त हो गया हो लेकिन लेन और ब्योई के लिए किसी भी अतिशबाजी प्रदर्शन से भी अधिक सुंदर प्रेम कहानी अभी शुरू हुई थी गतिशील कलाकार को एक साथ लाते हैं बॉलीवुड और हांगकांग सिनेमा के बीच एक ही दूरी की हैं इस आरोप के नेतृत्व तो अक्षय कुमार कर रहे थे जो अपनी एक्शन कॉमेडी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड सुपर स्टार्ही एक साधारण सब्जी काटने वाले सिद्धू सिद्धू शर्मा के भी ल्यू सिंह से गलती से महान चीची से योद्धा सिद्धू समझ लिया था ये दोहरी भूमिका निभाते हैं दीपिका पाडुकोन ने दोहरी भूमिका के साथ अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया वो एक उत्साही भारतीय महिला सखी और एक छिपे हुए एजेंट के साथ एक ग्लैमरस चीनी महसूस मूजी माओ माओ का किरदार निभाती है दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के मौजूदगी से ये फिल्म और भी समृद्ध हो गई ये सिद्धू के पिता और स्थानीय गैंगस्टर तारा दोनों की भूमिका निभाते हैं जो कहानी में गहराई और रहस्य का जोड़ते हैं मार्शल आर्ट दृश्यों का प्रा... प्रारंभिकता के प्रदान करने के लिए हांगकांग सिनेमा के प्रसिद्ध गॉर्डन लियोग ने खलनायक होजी जो कि सिद्धू का अंतिम प्रतिद्वंदी के रूप में कदम रखा है कलाकारों के रणबीर शोरी जैसे प्रतिभाशाली अभिनेता है जो सिद्धू के वफादार लेकिन कनाड़ी सहायक चापचिस की भूमिका निभाते हैं और रोजर युवा इंस्पेक्टर चंग कु की भूमिका निभाते हैं जो एक पुलिस अधिकारी है जो अच्छे और बुरे के बीच गोलीबारी में फंस जाता है कलाकार एक्शन कॉमेडी और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अनूठा मिश्रण बनाते हुए चांदनी चौक टू चाइना की यात्रों की जीवंत बनाते हैं चांदनी चौक टू चाइना ने व्यावसायिक सफलता हासिल की लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली ब्लॉक बनने से चौकी गई फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई फिफ्टी करोड़ थी जो लगभग थर्टीन मिलियन की अमेरिकी डॉलर के है क्षेत्र विभाजन पर कड़ी से नजर डालने पर हम देख सकते हैं कि फिल्म भारत में घरेलू दर्शकों के साथ अधिक लोकप्रिय हुई यहां इसने शुद्ध संग्रह में ट्वेंटी करोड़ की एकत्रिका जो कि थर्टी करोड़ के अनुमानित बजट संग्रह है यह भारतीय बाजार में मामूली मजबूत प्रदर्शन का संकेत देता है वहीं विदेशी में फिल्म का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा चांदी चौक टू चाइना भारत में बाहर फिफ्टीन करोड़ के लगभग यूएसए से मिलियन कंपनी भी सफल रही हालांकि फिल्म में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सराहना मिली लेकिन विदेशी में ये व्यावसायिक रूप से उतरती सफल नहीं रही गर्म मार्क पकड़ी की सुगंध लेने छोटे से से अपार्टमेंट से घर गई जो नए साल की पूर्व संध्या के बेहद तेज हवाओं के झोंके का एक सुगंधित प्रति थी लेन एक दुबली पतली महिला जिसकी आंखों में उसकी खिड़की पर टकरी लटकी कागज की ललटेज जैसी चमकदार थी उसके आटे की की नाजुक लौटने खुद को गुनगुनाया हर साल लेने चीनी तब वर्ष की पूर्व संध्या अकेले बिता दी थी, थी एक मांगलिक फर्म की ग्राफिक डिजाइन के रूप में देख देर तक काम करने उन्हें सामाजिक मेलजोल के लिए बहुत काम समय मिला रोमांस की तो बात ही छोड़िए हालांकि इस वर्ष आशा के किरण के अपने दिल को कार्य किया है अपने लोकप्रियता रेटिंग होंग बाओ की ऑफ लव डाउनलोड किया था जिसका नाम छुट्टिया के दौरान पारंपरिक रूप से ऐसे से भाग्यशाली लाल लिफाफों के नाम पर रखा गया था उसके फोन पर एक सूचना आई ये तमाओ का एक संदेश था जो एक चंचल उपयोगकर्ता नाम था एक स्वादिष्ट फकीरों का संदेश देता था संगावीच लिखा नया साल मुबारक हो आपको प्रोफाइल तस्वीर तो लग रहा है जो फिर नीचे के खिलती हुई शाखा के लेने की गलों पर लाली दौड़ गई ये लंबे समय से किसी पुरुष के उसे मिली पहली प्रशंसा थी उसने उसे धन्यवाद देते हुए प्रारंभिक बनाने के अपने प्यार का उल्लेख करते हुए मैपोकर का टाइम दिया है उनकी बातचीत सहजता से चलती रही तमाओं के बी नाम के एक इतिहास शिक्षक निकला जिसे चीन की सांस्कृतिक विरासत की संरक्षित करने का शौक था उन्हें उसाइन में अपनी नारीता को स्वीकार किया अक्सर स्टेड नूडल्स का सहारा लेते था इस स्वीकारकर्ताओं के लेने की हंसी छूट गई जिसके बाद उसे कभी कभी पकड़ी बनाने की कला सिखाने का वादा किया है जैसे ही संबंध भेजते हैं उसने साझा करते कंटों के कोई भी शहर कोई डिजाइन के के में, के के में भट्टों का दौरा करने का सपना देखा रहे हैं लेन देन की शहर कलाकार प्रारंभिक शाई धोने का वाली पेंटिंग की नाजों को प्रशंसकों को अपनी आंखों के सामने जीवंत उन्हें देखने के लिए शरत कर दी थी जैसे ही घड़ी की घड़ी में आधी रात हुई अतिब शबाजी के रात में आकाश को जगमगाया दिया जिसने दुनिया पर रंगों की बिछाड़ हो गई लेने पर उत्साह को रोकने में असमर्थ रही उसने बो की एक तस्वीर भेजी नया साल मुबारक तो हो तबाव तो के उसने मैसेज किया नया साल मुबारक हो जियो लान हुआ उसका उत्तर आया उसने प्रेम के एक शब्द का उपयोग किया जिसका अर्थ था लिटिल ऑक्सीड ऑक्सीड्लॉसम उसके शरीर में कपकपी दौड़ गई ठंडे से नहीं बल्कि अप्रत्याशित कमलता से अगले दिन आभासी अमेशन का वंडर थे एवे ने ऐतिहासिक कलाकृतियों की तस्वीर साझा की उनकी सुंदरता पर जीवंत चर्चा हो लेने ने उसे प्राचीन मंदिरों का दौरा करते समय बताए गए रेखांकियों दिखाए उनके जटिल विवरण ने उसकी प्रतिभा की एक दोपहर एक वीडियो कॉल के दौरान आपदा का आ गई पकौड़ी बनाने की उसकी कौशल प्रदर्शित करने का प्रयास करते समय लेने ने गलती गए उनका ऑनलाइन कनेक्शन दिन बहरा होता गया साझा जुनून और मूल्यों की खोज करते हुए उन्होंने ऐसे रहस्य बनाए जिन्हें वे किसी और के साथ साझा करने की हिम्मत नहीं करेंगे आखिरकार मिलने के संबंध लेने के पेट की गड्ढे में उपलब्धि हुई एक स्वादिष्ट प्रदेशा की तरह महसूस हुई आखिरकार वह दिन आ गया जब लालटेत महोत्सव नए साल की की का का के जश्न के आधिकारिक अंत का प्रतीक था वे स्वर्ग के प्रतिष्ठित मंदिर जो सुंदरता और शांति का स्थान में में मिलने के लिए सहमत हुए जैसे ही लेने के कबराहट अपना दिपुटा ठीक किया उसने फोन पर एक सूचना आई संदेश में लिखा था कि मैं थोड़ा नारी हो सकता हूँ लेकिन मैं अपनी पसंदीदा एल जीओ के लिए एक विशेष उपहार लाया हूँ ऐसे वो मंदिर के मैदान में दाखिल हुई उसका दिल जोरों से धड़कने लगा उसके चारों ओर चेहरे का एक समुद्र घूम उठा लालटेन उनका द्वारा छोई गई हर चीज पर मार्ग चमक रिख बही थी फिर उसके देखा भाई एक खिल हुए पेड़ के पेड़ के नीचे खड़ा था उसके होटों पर एक शनबीले मुस्कान थी उसके हाथ में उनके एक अकल और कृष्ट चीनी मिट्टी का फुलदान पकड़ रखा था जिसकी स्नह मौजूद पुष्प प्रदर्शन से जुड़ी हुई थी जो उसकी अपनी कलाकृति की याद दिलाती है लेन की आंखों में आंसू आ गए न केवल उसे उसका सपना याद था बल्कि फुलदान अपने आम में एक उत्कृष्ट कृति थी जो उनके बीच साझा संबंधों का बगीचे हंसी उत्सव की बातचीत के साथ मिली थी ऐसा लग रहा था उनके जीवन में एक नया अध्ययन खुल गया है जीवन दुनिया में उन्हें एक साथ लाया था लेकिन यह उनकी संस्कृति के प्रति साझा प्रेम उनके सपने और रोसाई के उनके नारीपन थी जिसमें वास्तव में एक बंधन बनाया गया था चीनी नववर्ष का जादू भले ही समाप्त हो गया हो लेकिन लेन और ब्योई के लिए किसी भी अतिशबाजी प्रदर्शन से भी अधिक सुंदर प्रेम कहानी अभी शुरू हुई थी

कलाकारों के रणबीर शोरी जैसे प्रतिभाशाली अभिनेता है जो सिद्धू के वफादार लेकिन कनारी सहक चपचिस्ट की भूमिका निभाते हैं और रोजर युवा इंस्पेक्टर चियांग कु की भूमिका निभाते हैं जो एक पुलिस अधिकारी है जो अच्छे और बुरे के बीच गोलीबारी में फंस जाता है ये तकनीक कलाकार एक्शन कॉमेडी और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अनूठा मिश्रण बनाते हुए चांदनी चौक टू चाइना की यात्रों की जीवंत बनाते हैं चांदनी चौक टू चाइना ने व्यावसायिक सफलता हासिल की लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली ब्लॉक बनने से चौकी गई फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई फिफ्टी करोड़ थी जो लगभग थर्टीन मिलियन की अमेरिकी डॉलर के बराबर है क्षेत्रीय विभाजन पर करीब से नजर डालने पर हम देख सकते हैं कि फिल्म भारत में घरेलू दर्शकों के साथ अधिक लोकप्रिय हुई यहां इसने शुद्ध संग्रह में 29.46 करोड़ की एकत्रिका जो कि छीन करोड़ के अनुमानित बजट संग्रह है यह भारतीय बाजार में मामूली मजबूत प्रदर्शन का संकेत देता है वहीं विदेशी में फिल्म का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा चांदी चौक टू चाइना भारत में बाहर फिफ्टीन करोड़ के लगभग यूएसए से मिलियन कंपनी में सफल रही हालांकि फिल्म में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सराहना मिली लेकिन विदेशी में ये व्यावसायिक रूप से उतरती सफल नहीं रही गर्म मार्ग पकड़ी सुगंध लेने की छोटे से अपार्टमेंट से घर गई जो नए साल की पूर्व संध्या के बेहद तेज हवाओं के झोंके का एक सुगंधित होती थी लेन एक दुबली पतली महिला जिसकी आंखों में उसकी खिड़की पर टकरी लटकी कागज की ललटे जैसी चमकदार थी उसके आटे की नाजुक जेबे लौटने की खुद को गुनगुनाया हर साल लेने चीनी तब वर्ष की पूर्व संध्या अकेले बिता दी थी, थी एक मांगलिक फर्म की ग्राफिक डिजाइन के रूप में देख देर तक काम करने उन्हें सामाजिक मेलजोल के लिए बहुत काम समय मिला रोमांस की तो बात ही छोड़िए हालांकि इस वर्ष आशा एक किरण के अपने दिल को काम किया है अपने लोकप्रियता रेटिंग हॉन्ग बाओ की ऑफ लव डाउनलोड किया था जिसका नाम छुट्टिया के दौरान पारंपरिक रूप से ऐसे से भाग्यशाली लाल लिफाफों के नाम पर रखा गया था उसके फोन पर एक सूचना आई ये तमाओ का एक संदेश था जो एक चंचल उपयोगकर्ता नाम था एक स्वादिष्ट फकीरों का संदेश देता था संगावीच लिखा नया साल मुबारक हो आपको प्रोफाइल तस्वीर तो लग रहा है जो फिर नीचे के खिलती हुई शाखा तरह के लेने की गलों पर लाली दौड़ गई ये लंबे समय से किसी पुरुष के उसे मिली पहली प्रशंसा थी उसने उसे धन्यवाद देते हुए प्रारंभिक पकड़ों के बनाने के अपने प्यार का उल्लेख करते हुए वैपोक का टाइम दिया है उनकी बातचीत सहजता से चलती रही तमाओं के बी नाम के एक इतिहास शिक्षक निकला जिसे चीन की सांस्कृतिक विरासत की संरक्षित करने का शौक था उन्हें ऊसाई में अपनी नारिता को स्वीकार किया अक्सर स्टेट नूडल्स का सहारा लेते था इस शिक्रकर्ताओं के लेने की हंसी छूट गई जिसके बाद उसे कभी कभी पकड़ी बनाने की कला सिखाने का वादा किया है जैसे संबंध भेजते हैं उसने साझा करते कंटों के कोई प्रसिद्ध शहर डिजाइन में भट्टों का दौरा करने का सपना देखा रहे हैं लेन देन की कलाकार प्रारंभिकोने का वाली पेंटिंग की नाजों को प्रशंसकों को अपनी आंखों के सामने जीवंत उन्हें देखने के लिए शर्त करती थी जैसे ही घड़ी की घड़ी में आधी रात हुई अतिब शबाजी के रात में आकाश को जगमगाया दिया जिसने दुनिया पर रंगों की बिछार हो गई लेने पर उत्साह को रोकने में असमर्थ रही उसने बो की एक तस्वीर भेजी नया साल मुबारक तो हो तबाव तो के उसने मैसेज किया नया साल मुबारक हो जियो लान हुआ उसका उत्तर आया उसने प्रेम के एक शब्द का उपयोग किया जिसका अर्थ था लिटिल ब्लॉसम उसके शरीर में कपकपी दौड़ गई ठंडे से नहीं बल्कि अप्रत्याशित कोमलता से अगले दिन आभासी अमृतसर का भंडर थे एवे ने ऐतिहासिक कलाकृतियों की तस्वीर साझा की उनकी सुंदरता पर जीवंत चर्चा हो लेने ने उसे प्राचीन मंदिरों का दौरा करते समय बताए गए रेखांकियों दिखाए उनके जटिल विवरण ने उसकी प्रतिभा की एक दोपहर एक वीडियो कॉल के दौरान आपदा का आ गई पकौड़ी बनाने की उसकी कौशल प्रदर्शित करने का प्रयास करते समय लेने ने गए उनका ऑनलाइन कनेक्शन दिन बहरा होता गया साझा जुनून और मूल्यों की खोज करते हुए उन्होंने ऐसे रहस्य बनाए जिन्हें वे किसी और के साथ साझा करने की हिम्मत नहीं करेंगे आखिरकार मिलने की संबंध लेने के पेट की गड्ढे में उपलब्धि हुई हुई एक स्वादिष्ट की तरह महसूस आखिरकार दिन आ गया जब लालटेट महोत्सव ने साल की की का का के जश्न के आधिकारिक अंत का प्रतीक था वे स्वर्ग के प्रतिष्ठित मंदिर जो सुंदरता और शांति का स्थान में, में मिलने के लिए सहमत हुए जैसे ही लेने के घबराहट अपना ठीक उसने फोन पर एक सूचना आई संदेश में लिखा था कि मैं थोड़ा नारी हो सकता हूँ लेकिन मैं अपनी पसंदीदा एल जियो लनहुआ के लिए एक विशेष उपहार लाया हूँ ऐसे बो मंदिर के मैदान में दाखिल हुई उसका दिल जोरों से धड़कने लगा उसके चारों ओर चेहरे का एक समुद्र घूम उठा लालटेन उनका द्वारा छोई गई हर चीज पर मार्ग चमक रिख बही थी फिर उसके देखा भाई एक खिल हुए पेड़ के पेड़ के नीचे खड़ा था उसके होठों पर एक शनबीले मुस्कान थे उसके हाथ में उनके एक अकल और कृष्ट चीनी मिट्टी का फुलदान पकड़ रखा था जिसकी स्न मौजूद पुष्प प्रदर्शन से जुड़ी हुई थी जो उसकी अपनी कलाकृति की याद दिलाती है लेन की आंखों में आंसू आ गए बिना केवल उसे उसका सपना याद था बल्कि फुलदान अपने आम

नारीपन थी जिसमें वास्तव में एक बंधन बनाया गया था चीनी नव वर्ष का जादू भले ही समाप्त हो गया हो लेकिन लेन और ब्योई के लिए किसी भी अतिशबाजी प्रदर्शन से भी अधिक सुंदर प्रेम कहानी अभी शुरू हुई थी गतिशील कलाकार को एक साथ लाते हैं बॉलीवुड और हांगकॉन्ग सिनेमा के बीच एक ही दूरी की हैं इस आरोप के नेतृत्व तो अक्षय कुमार कर रहे थे जो अपनी एक्शन कॉमेडी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड सुपरस्टार है वो दिल्ली एक साधारण सब्जी काटने वाले सिद्धू सिद्धू शर्मा के ल्यू सिंह से गलती से महान चीची से योद्धा सिद्धू समझ लिया था ये दोहरी भूमिका निभाते हैं दीपिका पाडुकोन ने दोहरी भूमिका के साथ अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन प्रदान वो एक उत्साही भारतीय महिला सखी और एक छिपे हुए एजेंट के साथ एक ग्लैमरस चीनी महसूस मुझी माओ माओ का किरदार निभाती है दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के मौजूदगी से ये फिल्म और भी समृद्ध हो गई ये सिद्धू के पिता और स्थानीय गैंगस्टर तारा दोनों की भूमिका निभाते हैं जो कहानी में गहराई और रहस्य का जोड़ते हैं मार्शल आर्ट दृश्यों का के प्रदान करने के लिए हांगकांग सिनेमा के प्रसिद्ध गॉर्डन लियो ने खलनायक होजी जो कि सिद्धू का अंतिम प्रतिद्वंदी के रूप में कदम रखा है कलाकारों के रणबीर शोरी जैसे प्रतिभाशाली अभिनेता है जो सिद्धू के वफादार लेकिन कनारी सहायक चैप्सिस्ट की भूमिका निभाते हैं और रोजर युवा इंस्पेक्टर चंग कु की भूमिका निभाते हैं जो एक पुलिस अधिकारी है जो अच्छे और बुरे के बीच गोलीबारी में फंस जाता है ये तकनीक कलाकार एक्शन कॉमेडी और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अनूठा मिश्रण बनाते हुए चांदनी चौक टू चाइना के यात्रों की जीवंत बनाते हैं चांदनी चौक टू चाइना ने व्यावसायिक सफलता हासिल की लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली ब्लॉक बनने से चौकी गई फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई फिफ्टी करोड़ थी जो लगभग थर्टीन मिलियन की अमेरिकी डॉलर के है। विभाजन पर करीब से नजर डालने पर हम देख सकते हैं कि फिल्म भारत में घरेलू दर्शकों के साथ अधिक लोकप्रिय हुई यह इसने शुद्ध संग्रह में 29.46 करोड़ की जो कि 37.77 करोड़ के अनुमानित बजट संग्रह है यह भारतीय बाजार में मामूली मजबूत प्रदर्शन का संकेत देता है वहीं विदेशी में फिल्म का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा चांदनी चौक टू चाइना भारत में बाहर फिफ्टीन पॉइंट सिक्स सेवन करोड़ के लगभग यूएसए से थ्री पॉइंट नाइन सेवन मिलियन कंपनी भी सफल रही हालांकि फिल्म में कुछ अंतरराष्ट्रीय सराहना मिली लेकिन विदेशी में ये व्यावसायिक रूप से उतरती सफल नहीं रही गर्म मार्ग पकड़ी कि सुगंध लेने की छोटे से अपार्टमेंट से घर गई जो नए साल की पूर्व संध्या के बेहद तेज हवाओं के झोंके का एक सुगंधित प्रति थी लेन एक दुबली पतली महिला जिसकी आंखों में उसकी खिड़की पर टकरी लटकी कागज की ललटेज जैसी थी उसके आटे की की नाजुक लौटने खुद को गुनगुनाया हर साल लेने चीनी तब वर्ष पूर्व संध्या अकेले बिताती थी, थी एक मांगलिक फर्म की ग्राफिक डिजाइन के रूप में देख देर तक काम करने उन्हें सामाजिक मेलजोल के लिए बहुत काम समय मिला रोमांस की तो बात ही छोड़िए हालांकि इस वर्ष आशा एक किरण के अपने दिल को कारण किया है अपने लोकप्रियता रेटिंग ने बाओ की ऑफ लव डाउनलोड किया था जिसका नाम छुट्टिया के दौरान पारंपरिक रूप से ऐसे से भाग्यशाली लाल लिफाफों के नाम पर रखा गया था उसके फोन पर एक सूचना आई ये तमाव का एक संदेश था जो एक चंचल उपयोगकर्ता नाम था एक स्वादिष्ट फकीरों का संदेश देता था

रसाई में अपनी नारीता को स्वीकार किया अक्सर स्टेट नूडल्स का सहारा लेते था इस शिक्रकर्ताओं के लेने की हंसी छूट गई जिसके बाद उसे कभी कभी पकड़ी बनाने की कला सिखाने का वादा किया है जैसे संबंध भेजते हैं उसने साझा करते कंटों के गए, कोई कोई भी डिजाइन के के में भट्टों का दौरा करने का सपना देखा रहे हैं लेन देन की कलाकार प्रारंभिक शाई धोने का वाली पेंटिंग की नाजों को प्रशंसकों को अपनी आंखों के सामने जीवंत उन्हें देखने के लिए शर्त करती थी जैसे ही घड़ी की घड़ी में आधी रात हुई अतिबाजी के रात में आकाश को जगमगाया दिया जिसने दुनिया पर रंगों की बिछार हो गई लेने पर उत्साह को रोकने में असमर्थ रही उसने बो की एक तस्वीर भेजी नया साल मुबारक तो हो तबाव तो के उसने मैसेज किया नया साल मुबारक हो जियो लान हुआ उसका उत्तर आया उसने प्रेम के एक शब्द का उपयोग किया जिसका अर्थ था लिटिल ऑक्सीडन उसके शरीर में कपकपी दौड़ गई ठंडे से नहीं बल्कि अप्रत्याशित कमलता से अगले दिन आभासी अमृतसर का वंडर थे ऐवे ने ऐतिहासिक कलाकृतियों की तस्वीर साझा की उनकी सुंदरता पर जीवंत चर्चा हो लेने ने उसे प्राचीन मंदिरों का दौरा करते समय बताए गए रेखांकियों दिखाए उनके जटिल विवरण ने उसकी प्रतिभा की एक दोपहर एक वीडियो कॉल के दौरान आपदा का आ गई पकौड़ी बनाने की उसकी कौशल के प्रदर्शित करने का प्रयास करते समय लेने ने गलती से उसकी एक छोटे से कर दिया शराबा पर बिखरा गया हौसले लगे दुर्घटना में उनके संबंध को और मजबूत कर दिया दिन हफ्तों में बदल गए उनका ऑनलाइन कनेक्शन दिन बहरा होता गया साझा जुनून और मूल्यों की खोज करते हुए उन्होंने ऐसे रहस्य बनाए जिन्हें वे किसी और के साथ साझा करने की हिम्मत नहीं करेंगे आखिरकार मिलने की संबंध के लेने के पेट की गड्ढे में उपलब्धि हुई एक स्वादिष्ट प्रदेशा की तरह महसूस हुई आखिरकार वह दिन आ गया जब लालटेट महोत्सव नए साल की की का का के जश्न के आधिकारिक अंत का प्रतीक था वे स्वर्ग के प्रतिष्ठित मंदिर जो सुंदरता और शांति का स्थान में में मिलने के लिए सहमत हुए जैसे ही लेने के कबराहट अपना दिपुटा ठीक किया उसने फोन पर एक सूचना आई संदेश में लिखा था कि मैं थोड़ा नारी हो सकता हूँ लेकिन मैं अपनी पसंदीदा एल लनहुआ के लिए एक विशेष उपहार लाया हूँ ऐसे वो मंदिर के दो मैदान में दाखिल हुई उसका दिल जोरों से धड़कने लगा उसके चारों ओर चेहरे का एक समुद्र घूम उठा लालटेन उनका द्वारा छोई गई हर चीज पर मार्ग चमक रिख बही थी फिर उसके देखा भाई एक खिल हुए पेड़ के पेड़ के नीचे खड़ा था उसके होटों पर एक शनबीले मुस्कान थी उसके हाथ में उनके एक अखल उत्कृष्ट चीनी मिट्टी का फुलदान पकड़ रखा था जिसकी स्न मौजूद पुष्प प्रदर्शन से जुड़ी हुई थी जो उसकी अपनी कलाकृति की याद दिलाती है लेन की आंखों में आंसू आ गए बिना केवल उसे उसका सपना याद था बल्कि फुलदान अपने आम में एक एक उत्कृष्ट थी जो उनके बीच साझा संबंधों का पूर्ण मुदस्फित था उनका पहला चुंबन अतीत था लेकिन एक निर्विवाद चिंगारी से भरा हुआ था जैसे ही वे मंदिर में बगीचे में हाथ में हाथ डाले हुए रहते उनकी हंसी उत्सव की बातचीत के साथ मिली थी ऐसा लग रहा था कि उनके में एक नया अध्ययन खुल गया है जीवन दुनिया में उन्हें एक साथ लाया था लेकिन यह उनकी संस्कृति के प्रति साझा प्रेम उनके सपने और रसाई के उनके नारीपन थी जिसमें स्ववास्तव में एक बंधन बना गया था चीनी वर्ष का जादू भले ही समाप्त हो गया हो लेकिन लेन और ब्योई के लिए किसी भी अतिशबाजी प्रदर्शन से भी अधिक सुंदर प्रेम कहानी अभी शुरू हुई थी गतिशील कलाकार को एक साथ लाते हैं बॉलीवुड और हांगकॉन्ग सिनेमा के बीच एक ही दूरी की हैं इस आरोप के नेतृत्व तो अक्षय कुमार कर रहे थे जो अपनी एक्शन कॉमेडी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड दिल्ली एक साधारण सब्जी काटने वाले सिद्धू सिद्धू शर्मा के भी ल्यू सिंह से गलती से महान चीची से योद्धा सिद्धू समझ लिया था ये दोहरी भूमिका निभाते हैं दीपिका पाडुकोन ने दोहरी भूमिका के साथ अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन निरीक्षण वो एक उत्साही भारतीय महिला सखी और एक छिपे हुए एजेंट के साथ एक ग्लैमरस चीनी महसूस मुझी माओ माओ का किरदार निभाती है दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के मौजूदगी से ये फिल्म और भी समृद्ध हो गई ये सिद्धू के पिता और स्थानीय गैंगस्टर दादा दोनों की भूमिका निभाते हैं जो कहानी में गहराई और रहस्य का जोड़ते हैं मार्शल आर्ट दृश्यों का प्रारंभिकता के प्रदान करने के लिए हांगकांग सिनेमा के प्रसिद्ध गॉर्डन लियो ने खलनायक होजी जो कि सिद्धू का अंतिम प्रतिद्वंदी के रूप में कदम रखा है कलाकारों के रणबीर सोरी जैसे प्रतिभाशाली अभिनेता है जो सिद्धू के वफादार लेकिन कनाड़ी सहायक चपचिस्ट की भूमिका निभाते हैं और रोजर युवाओं इंस्पेक्टर चियांग कु की भूमिका निभाते हैं जो एक पुलिस अधिकारी है जो अच्छे और बुरे के बीच गोलीबारी में फंस जाता है ये तकनीक कलाकार एक्शन कॉमेडी और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अनूठा मिशन बनाते हुए चांदनी चौक टू चाइना की यात्रों की जीवंत बनाते हैं चांदनी चौक टू चाइना ने व्यावसायिक सफलता हासिल की लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली ब्लॉक बनने से चौकी गई फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई फिफ्टी थ्री करोड़ थी जो लगभग थर्टीन मिलियन की अमेरिकी डॉलर के बराबर है क्षेत्र विभाजन पर करीब से नजर डालने पर हम देख सकते हैं कि फिल्म भारत में घरेलू दर्शकों के साथ अधिक लोकप्रिय हुई यहां शुद्ध संग्रह में करोड़ एकत्र थर्टी सेवन 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 करोड़ के अनुमानित बजट संग्रह है यह भारतीय बाजार में मामूली मजबूत प्रदर्शन का संकेत देता है वहीं विदेशी में फिल्म का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा चांदनी चौक टू चाइना भारत में बाहर फिफ्टीन पॉइंट सिक्स सेवन करोड़ के लगभग यूएसए से थ्री पॉइंट नाइन सेवन मिलियन कंपनी भी सफल रही हालांकि फिल्म में कुछ अंतरराष्ट्रीय सराहना मिली लेकिन विदेशी में ये व्यावसायिक रूप से उतरती सफल नहीं रही गर्म मार्ग पकड़ी कि सुगंध जीओ लेने की छोटे से अपार्टमेंट से घर गई जो नए साल की पूर्व संध्या के बेहद तेज हवाओं के झोंके का एक सुगंधित प्रति थी लेन एक दुबली पतली महिला जिसकी आंखों में उसकी खिड़की पर टकरी लटकी कागज की ललटेज जैसी चमकदार थी उसके आटे की नाजुक जेबें लौटने की खुद को गुनगुनाया हर साल लेने चीनी तब वर्ष की पूर्व संध्या अकेले बिताती थी, थी एक मांगलिक फर्म की ग्राफिक डिजाइन के रूप में देख देर तक काम करने उन्हें सामाजिक मेलजोल के लिए बहुत काम समय मिला रोमांस की तो बात ही छोड़िए हालांकि इस वर्ष आशा की एक किरण के अपने दिल को काम किया है अपने लोकप्रियता रेटिंग हॉन्ग बाओ की ऑफ लव डाउनलोड किया था जिसका नाम छुट्टिया के दौरान पारंपरिक रूप से ऐसे से भाग्यशाली लाल लिफाफों के नाम पर रखा गया था उसके फोन पर एक सूचना आई ये तमाओ का एक संदेश था जो एक चंचल उपयोगकर्ता नाम था एक स्वादिष्ट फकीरों का संदेश देता था संगावीच लिखा नया साल मुबारक हो आपको तस्वीर तो है फाइलों पर लाली देते हुए की बनाने के अपने प्यार का उल्लेख करते हुए वैपोक का टाइम दिया है उनकी बातचीत सहजता से चलती रही तमाओ के बी नाम के एक इतिहास शिक्षक निकला जिसे चीन की सांस्कृतिक विरासत की संरक्षित करने का शौक था उन्हें रसाई में अपनी नारीता को स्वीकार किया अक्सर स्टेड नूडल्स का सहारा लेते था इस शिक्रकर्ताओं के लेने की हंसी छूट गई जिसके बाद उसे कभी कभी पकड़ी बनाने की कला सिखाने का वादा किया है जैसे संबंध भेजते हैं उसने साझा करते कंटों के तीत गए कोई भी कोई ने प्राचीन मिट्टी के बर्तनों के प्रति अपने प्रेम के बारे में बात की जो अपने उत्कृष्ट चीनी मिट्टी के के प्रसिद्ध शहर डिजाइन में भट्टों का दौरा करने का सपना देखा रहे लेन देन की कलाकार प्रारंभिक शाई धोने का वाली पेंटिंग की नाजों को प्रशंसकों को अपनी आंखों के सामने जीवंत उन्हें देखने के लिए शर्त कर दी थी जैसे ही घड़ी की घड़ी में आधी रात हुई अति व शबाजी के रात में आकाश को जगमगाया दिया जिसने दुनिया पर रंगों की बिछाड़ हो गई लेने पर उत्साह को रोकने में असमर्थ रही उसने बो की एक तस्वीर भेजी नया साल मुबारक तो हो तबाव तो के उसने मैसेज किया नया साल मुबारक हो जियो लान हुआ उसका उत्तर आया उसने प्रेम के एक शब्द का उपयोग किया जिसका अर्थ था लिटिल ऑक्सीडन उसके शरीर में कपकपी दौड़ गई ठंडे से नहीं बल्कि अप्रत्याशित कोमलता से अगले दिन आभासी अमेरसन का भवंडर थे एवे ने ऐतिहासिक कलाकृतियों की तस्वीर साझा की उनकी सुंदरता पर जीवंत चर्चा हो लेने ने उसे प्राचीन मंदिरों का दौरा करते समय बताए गए रेखांकियों दिखाए उनके जटिल विवरण ने उसकी प्रतिभा की एक दोपहर एक वीडियो कॉल के दौरान आपदा का आ गई पकौड़ी बनाने की उसकी कौशल प्रदर्शित करने का प्रयास करते कर दुर्घटना में बदल गए उनका ऑनलाइन कनेक्शन दिन बहरा होता गया साझा जुनून और मूल्यों की खोज करते हुए उन्होंने ऐसे रहस्य बनाए जिन्हें वे किसी और के साथ साझा करने की हिम्मत नहीं करेंगे आखिरकार मिलने की संबंध लेने के पेट की गड्ढे में उपलब्धि हुई एक स्वादिष्ट प्रदेशा की तरह महसूस हुई आखिरकार वह दिन आ गया जब लालटेत महोत्सव नए साल की की अधिकारी का का के जश्न के आधिकारिक अंत का प्रतीक था वे स्वर्ग के प्रतिष्ठित मंदिर जो सुंदरता और शांति का स्थान में, में मिलने के लिए सहमत हुए जैसे ही लेने के कबरहाट अपना दिपुटा ठीक किया उसने फोन पर एक सूचना आई संदेश में लिखा था कि मैं थोड़ा नारी हो सकता हूँ लेकिन मैं अपनी पसंदीदा एल लनहुआ के लिए एक विशेष उपहार लाया हूँ ऐसे वो मंदिर के मैदान में दाखिल हुई उसका दिल जोरों से धड़कने लगा उसके चारों ओर चेहरे का एक समुद्र घूम उठा लालटेन उनका द्वारा छोई गई हर चीज पर मार्ग चमक रिख बही थी फिर उसके देखा भाई एक खिल हुए पेड़ के पेड़ के नीचे खड़ा था उसके होटों पर एक शर्मीले मुस्कान थे उसके हाथ में उनके एक अकल और कृष्ट चीनी मिट्टी का फुलदान पकड़ रखा था जिसकी स्न मौजूद पुष्प प्रदर्शन से जुड़ी हुई थी जो उसकी अपनी कलाकृति की याद दिलाती है लेन की आंखों में आंसू आ गए बिना केवल उसे उसका सपना याद था बल्कि फुलदान अपने आम में एक एक उत्कृष्ट थी जो उनके बीच साझा संबंधों का पूर्ण मुदस्फित था उनका पहला चुंबन अतीत था लेकिन एक निर्विवाद चिंगारी से भरा हुआ था जैसे ही वे मंदिर में बगीचे में हाथ में हाथ डाले रहे थे, उनकी हंसी उत्सव की बातचीत के साथ मिली थी ऐसा लग रहा था उनके में एक नया अध्ययन खुल गया है जीवन दुनिया में उन्हें एक साथ लाया था लेकिन यह उनकी संस्कृति के प्रति साझा प्रेम उनके सपने और रोसाई के उनके नारीपन थी जिसमें स्ववास्तव में एक बंधन बना गया था चीनी नव वर्ष का जादू भले ही समाप्त हो गया हो लेकिन लेन और ब्योई के लिए किसी भी अतिशबाजी प्रदर्शन से भी अधिक सुंदर प्रेम कहानी अभी शुरू हुई थी गतिशील कलाकार को एक साथ लाते हैं बॉलीवुड और हांगकॉन्ग सिनेमा के बीच एक ही दूरी की हैं इस आरोप के नेतृत्व तो अक्षय कुमार कर रहे थे जो अपनी एक्शन कॉमेडी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड सुपरस्टार है वो दिल्ली एक साधारण सब्जी काटने वाले सिद्धू सिद्धू शर्मा के भी ल्यू सिंह से गलती से महान चीची से योद्धा सिद्धू समझ लिया था ये दोहरी भूमिका निभाते हैं दीपिका पाडुकोन ने दोहरी भूमिका के साथ अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन निरीक्षण वो एक उत्साही भारतीय महिला सखी और एक छिपे हुए एजेंट के साथ एक ग्लैमरस चीनी महसूस मुझी माओ माओ का किरदार निभाती है दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के मौजूदगी से ये फिल्म और भी समृद्ध हो गई ये सिद्धू के पिता और स्थानीय गैंगस्टर दादा दोनों की भूमिका निभाते हैं जो कहानी में गहराई और रहस्य का जोड़ते हैं मार्शल आर्ट दृश्यों का प्रारंभिकता के प्रदान करने के लिए हांगकांग सिनेमा के प्रसिद्ध गॉर्डन लियो ने के होजी जो कि सिद्धू का अंतिम प्रतिद्वंदी के रूप में कदम रखा है कलाकारों के रणबीर शोरी जैसे प्रतिभाशाली अभिनेता है जो सिद्धू के वफादार लेकिन कनारी सहायक चॉपिस्ट की भूमिका निभाते हैं और रोजर युवा इंस्पेक्टर चियांग कु की भूमिका निभाते हैं जो एक पुलिस अधिकारी है जो अच्छे और बुरे के बीच गोलीबारी में फंस जाता है यह तकनीक कलाकार एक्शन कॉमेडी और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अनूठा मिश्रण बनाते हुए चांदनी चौक टू चाइना की यात्रों की जीवंत बनाते हैं चांदनी चौक टू चाइना ने व्यावसायिक सफलता हासिल की लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली ब्लॉक बनने से चौकी गई फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई फिफ्टी करोड़ थी जो लगभग थर्टीन पॉइंट फोर मिलियन की अमेरिकी डॉलर के बोल है क्षेत्रीय विभाजन पर करीब से नजर डालने पर हम देख सकते हैं कि फिल्म भारत में घरेलू दर्शकों के साथ अधिक लोकप्रिय हुई यहां इसने शुद्ध संग्रह में 29.46 करोड़ की यकतरिका जो कि 33.77 करोड़ के अनुमानिक कुल संग्रह है ये भारतीय बाजार में मामूली मजबूत प्रदर्शन का संकेत देता है वहीं विदेशी में फिल्म का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा चांदनी चौक टू चाइना भारत में बाहर फिफ्टीन पॉइंट सिक्स सेवन करोड़ के लगभग यूएसएस थ्री पॉइंट नाइन सेवन मिलियन कंपनी हुई सफल रही हालांकि फिल्म में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सराहना मिली लेकिन विदेशी में ये व्यावसायिक रूप से उतरती सफल नहीं रही गर्म मार्क पकड़ी सुगंध लेने की छोटे से अपार्टमेंट से घर गई जो नए साल की पूर्व संध्या के बेहद तेज हवाओं के झोंके का एक सुगंधित प्रति थी लेन एक दुबली पतली महिला जिसकी आंखों में उसकी खिड़की पर टकरी लटकी कागज की ललटे जैसी चमकदार थी उसके आटे की की नाजुक लौटने खुद को गुनगुनाया हर साल लेने चीनी तब वर्ष की पूर्व संध्या अकेले बिताती थी, थी एक मांगलिक फर्म की ग्राफिक डिजाइन के रूप में देख। देर तक काम करने उन्हें सामाजिक मेलजोल के लिए बहुत काम समय मिला रोमांस की तो बात ही छोड़िए हालांकि इस वर्ष आशा की एक किरण के अपने दिल को काम किया है अपने लोकप्रियता रेटिंग होंग बाओ की ऑफ लव डाउनलोड किया था जिसका नाम छुट्टिया के दौरान पारंपरिक रूप से ऐसे से रूप बागोशाली लाल लिफाफों के नाम पर रखा गया था उसके फोन पर एक सूचना आई ये तमाओ का एक संदेश था जो एक चंचल उपकर्ता नाम था एक स्वादिष्ट फकीरों का संदेश देता था

रसाइन ने अपनी नारिता को स्वीकार किया अक्सर स्टेट नूडल्स का सहारा लेते था, इस शिक्रकर्ताओं के लेने की हंसी छूट गई जिसके बाद उसे कभी कभी पकड़ी बनाने की कला सिखाने का वादा किया है जैसे ही संबंध भेजते हैं उसने साझा करते कंटों के गए कोई कोई भी प्राचीन मिट्टी के बर्तनों के प्रति अपने प्रेम के बारे में बात की जो अपने उत्कृष्ट चीनी मिट्टी के के प्रसिद्ध शहर डिजाइन में भट्टों का दौरा करने का सपना देखा रहे हैं लेन देन की कलाकार प्रारंभिक शाई धोने का वाली पेंटिंग की नाजों को प्रशंसकों को अपनी आंखों के सामने जीवंत उन्हें देखने के लिए शरत रहती थी जैसे ही घड़ी की घड़ी में आधी रात हुई अति बजी के रात में आकाश को जगमगाया दिया जिसने दुनिया पर रंगों की बिछाड़ हो गई लेने पर उत्साह को रोकने में असमर्थ रही उसने बो की एक तस्वीर भेजी नया साल मुबारक तो हो तबाव तो के उसने मैसेज किया नया साल मुबारक हो जियो लान हुआ उसका उत्तर आया उसने प्रेम के एक शब्द का उपयोग किया जिसका अर्थ था लिटिल ऑक्सी ट्रॉसन उसके शरीर में कपकपी दौड़ गई ठंडे से नहीं बल्कि अप्रत्याशित कोमलता से अगले दिन आभासी अमेसन का भवंडर थे एवे ने ऐतिहासिक कलाकृतियों की तस्वीर साझा की उनकी सुंदरता पर जीवंत चर्चा हो लेने ने उसे प्राचीन मंदिरों का दौरा करते समय बताए गए रेखांकियों दिखाए उनके जटिल विवरण ने उसकी प्रतिभा की एक दोपहर एक वीडियो कॉल के दौरान आपदा का आ गई पकौड़ी बनाने की उसकी कौशल को प्रदर्शित करने का प्रयास करते समय लेने ने गलती से से उसकी चरना एक छोटे से कर दिया शराबा पर बिखरा गया हौसले लगे दुर्घटना में उनके संबंध को और मजबूत कर दिया दिन हफ्तों में बदल गए उनका ऑनलाइन कनेक्शन दिन बहरा होता गया साझा जुनून और मूल्यों की खोज करते हुए उन्होंने ऐसे रहस्य बनाए जिन्हें वे किसी और के साथ साझा करने की हिम्मत नहीं करेंगे आखिरकार मिलने की संबंध लेने के पेट की गड्ढे में उपलब्धि हुई एक स्वादिष्ट प्रदेशा की तरह महसूस हुई आखिरकार दिन आ गया जब लालटेट महोत्सव ने साल की के जश्न के आधिकारिक अंत का प्रतीक था वे स्वर्ग के प्रतिष्ठित मंदिर जो सुंदरता और शांति का स्थान में, में मिलने के लिए सहमत हुए जैसे ही लेने के घबराहट अपना दिपुटा ठीक किया उसने फोन पर एक सूचना आई संदेश में लिखा था कि मैं थोड़ा नारी हो सकता हूँ लेकिन मैं अपनी पसंदीदा एल जियो लनहुआ के लिए एक विशेष उपहार लाया हूँ ऐसे वो मंदिर के दो मैदान में दाखिल हुई उसका दिल जोरों से धड़कने लगा उसके चारों ओर चेहरे का एक समुद्र घूम उठा लालटेन उनका द्वारा छोई गई हर चीज पर मार्ग चमक रिख बही थी फिर उसके देखा भाई एक खिल हुए पेड़ के पेड़ के नीचे खड़ा था उसके